Uh, hello, all of you. Hello, hello, hello. Hello, mic check. Hello, hello, hello. Voice clear. Okay. Now, my voice is clear, so I'm ready now. I'm so sorry for 15 minutes late. <laughs> Actually, there was some system problem. Okay. Schedule my mobile. Take this. आ जाओ गाइज फटाफट आ जाओ कम फर्स्ट ऑल ऑफ यू क्योंकि आज का चैप्टर बहुत मजेदार है चैप्टर इज वॉट ऑसिलेशन वन शॉट ऑसिलेशन की आज हम लेने वाले हैं अच्छे से द चैप्टर नंबर फाइव ऑसिलेशन इसको वन शॉट में कवर करना है ठीक है नाउ क्या मैं सबको अच्छे से सुनाई दे रहा और दिखाई दे रहा हूं सबको अच्छे से हो रहा है कितने लोग देख रहे हैं मुझे देखने के बाद कनेक्ट चेक इट फोर हंड्रेड एंड इलेवन क्या बात वेरी गुड सो स्वीट सो स्वीट ऑल ऑफ यू थैंक्स 136 थर्टी सिक्स ने भी लाइक किया यार क्या गुंडा बनोगे आप लोग हाँ फोर हंड्रेड एंड इलेवन लोग देख रहे हैं हाँ थारा भाई का इज्जत कर रहे हो आप लोग ओके ठोको जरा ठोको फटाफट पड़ स्टार्ट करते हैं वॉइस कम है आई मिस यू सर क्यों भाई मिस क्यों कर रहे हो आ तो गया मैं धन्यवाद सर थोड़ा लाइट बढ़ाओ लाइट भाई जितना लाइट था सब जला है, वन टू थ्री फोर फाइव टोटल छ लाइट जला हुआ है यहाँ पे, और अभी भी मैं आपको अच्छा नहीं दिख रहा हूँ क्या हाँ चलो हमारे हेमंत बाबू सब सेटअप कर दिए फटाफट ओके मैं आप लोग को यहाँ देखता रहूँगा सेटअप देखो इस पर देखता हूं आप लोग को देख रहे हैं? इस पर देखता हूं मैं आप लोग को ओके फाइन स्टार्ट करते हैं आई आई हेट यू सर बड़ा हेट आई हेट यू सर मतलब या भाई आप अपना इंग्लिश प्रॉपर कर लो या फिर अच्छे से हेट कर लो हेट मतलब समझ में नहीं आया ऋतिक पाटिल मुझे हेट करते हैं धन्यवाद आपका हेट मेरे सराखों पर हाँ ओके गाय चलो नाउ स्टार्ट करते हैं आई लव यू सर धन्यवाद मतलब मुझे प्यार करने वाले भी लोग है। यार, हैं यार लाइन लगी यहां पर क्या बात है एक हेट है तो दस लव भी है क्या बात है धन्यवाद थैंक यू चलो और स्टार्ट करते हैं बेटा चलो अच्छी बात है यार देखो मज़ा कब आता है जब कंपटीशन रहना चाहिए ठीक है जब सब प्यारी करने लगेंगे यार तो मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा तो आलोचकाओं से विकास होता है ठीक है बोलते ना मोदी जी के भी आलोचक रहते हैं योगी जी के भी आलोचक रहते हैं पप्पू के भी फैन रहते हैं समझे तो हर हर किसी के आदमी रहते हैं चलो स्टार्ट करें बहुत मजेदार चैप्टर है आज धन्यवाद लव यू टू लव यू टू गाइस थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद आपका स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप ऑसिलेशन को क्या जानते हो यू नो गाइस आपके दिमाग में अगर मैं ऑसिलेशन पूछूँ चलो ऑसिलेशन के बारे में कुछ बताओ तो आप क्या बताओगे अगर मैं पूछूं चलो बताओ ऑसोलेशन क्या होता है तो आप क्या बताओगे बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे ठीक है बहुत लोग इस समय कन्फ्यूज होंगे ना आइसोलेशन के बारे में नहीं कन्फ्यूजन नहीं करना है कन्फ्यूज तो होना नहीं है क्योंकि कन्फ्यूजन दूर करने के लिए तो मैं आया हूं ठीक है तो कन्फ्यूज नहीं होना है स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ आउसोलेशन होता क्या है आई टेल यू दैट इन डिटेल टेंशन ना लो नाउ जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहां पर आपको यहां पर एक चीज दिख रहा है सी दिस यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर बीच में हमारे सन्नी भैया हैं, ठीक है थीके? बीच में हमारे सन्नी भैया हैं, दिख रहा होगा आपको हमारे सन्नी भाई ठीक है ये सोनो ये हमारे सन्नी भाई हैं। अब इनका काम क्या रहता है आप सबको पता है चारों तरफ इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन लाइट स्प्रेड करते हैं ठीक है अब सन्नी भाई के चारों तरफ दिस इज अवर धरती मैया दिस इज अवर हाँ, धरती मैया धरती मैया मन मदर अर्थ ठीक है अर्थ ठीक है तो ये हमारा सन्नी भाई दिस इज सन तो सन के चारों तरफ अर्थ क्या करता रहता ऐसे रिवॉल्व करता रहता दिख रहे ऐसे एक ही पाथ पर बार बार ऐसे रिवोल्यूशन करता रहता है तो यहां पे जो अर्थ है एक तरीके से क्या कर रहा है ऑसिलेशन कर रहा है क्या कर रहा है ऑसिलेशन ऑसिलेशन मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के किसी ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में बार बार वो फिनोमोना कर रहा है तो उसे ऑसिलेशन कह सकते हो रिवोल्यूशन भी कह सकते हो ठीक है तो इसको हम रिवोल्यूशन भी कहते हैं और इस प्रोसेस को हम ऑसिलेशन भी कहते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे जो अर्थ है क्या है ऑसिलेशन मोशन ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं ठीक है तो ऑसिलेशन हो गया क्या हो गया ऑसिलेशन एक टाइप का क्या हो गया ऑसिलेशन हो गया ऑसिलेशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसके चारों तरफ या फिर उस पाथ पर बार बार चारों तरफ ना मतलब उस पाथ पे बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसे कहते हैं ऑसलेसन मतलब एक ही पाथ पर बार बार रिपीटेशन अगर उसका मोशन का हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं ऑसोलेशन कहते हैं अब बहुत बच्चे समझेंगे सर ऑसलेशन कैसे तो रिवोल्यूशन है नहीं ये रिवोल्यूशन तो है कोई गलत बात नहीं लेकिन ये ऑसोलेशन भी है ऑसलेसन किस तरह से ऑसुलेशन okay, क्या बोलता है अगर किसी पाथ पर ऑब्जेक्ट रिपीटेशन कर रहा है तो इसे क्या कहते हैं ऑसुलेसन कहते हैं तो इस नजरिए से हमको क्या कहेंगे ऑसुलेसन कहेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहां पर आ जाओ अच्छा यहां पर दिख रहा होगा क्या आपको ये निडल मशीन दिख रहा है ये सोनू क्या गाइस आपको नीडल मशीन दिख रहा है कहू सीधिस क्या आपको ये नीडल मशीन दिख रहा है नीडल मशीन इसको कहते हैं सिलाई मशीन क्या कहते हैं सिलाई मशीन ठीक है सिलाई मशीन तो ये जो सिलाई मशीन है ये भी एक टाइप का क्या शो करता है ऑसिलेशन शो करता है क्योंकि इसमें जो नीडल नीडल दिख रहा है नीडल दिस इज द नीडल ये नीडल होता है दिस इज द नीडल नीडल मतलब सुई जो नीडल है

इसको जब रियलिटी में देखोगे किसी आ, अगर आप किसी टेलर के पास जाओगे कपड़ा सिलने वाले के पास तो उसका मशीन में देखोगे तो, तुचु मतलब बार -बार तो वो जो प्रोसेस होता है उसे ऑसोलेशन कहते हैं तो ऑसोलेशन मतलब होता है एक ही पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट वर्क कर रहा है उसे कहते हैं ऑसोलेशन क्या कहते हैं बच्चों ऑसोलेशन कहते हैं ठीक है दिस इज कॉल्ड ऑसोलेशन समझे सबको ये सब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सर ये सब क्या बता रहे हो पहले मैं आपको ऑसलेषन से प्यार करा रहा हूं ठीक है ऑसलेषन के बारे में बता रहा हूं क्या पता आपको देखते देखते देख 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 प्यार हो जाए जब प्यार हो जाएगा तो उसकी हर चीज आपको देखने में सुनने में करने में मजा आएगी ठीक है पहले प्यार कर लो यार फिर इसके अच्छे से कर लेंगे ठीक है अच्छे से लेंगे चैप्टर की बहुत मजेदार चैप्टर है नाउ अगला क्या आपको घड़ा घड़ी दिख रहा है क्या बात कर रहे हो सर घड़ी में तो अभी कितना तीन बज रहा है नहीं तीन नहीं बज रहा है ये yeah. <laughs> भाई एक कॉपी पेस्ट घड़ी है ठीक है तो यहाँ पर घड़ी मतलब जो भी आपके पास घड़ी है अपनी घड़ी को ट्रेस मैं अपनी घड़ी के पास जो मैंने वेयर किया है आप आपके अगल बगल जो घड़ी उसको भी देख सकते हो अगर आपने वेयर किया घड़ी तो उसको भी देख सकते हो तो घड़ी का भी एग्जाम्पल एक, एक आपको ऑसलेसन का शो करता है इसमें देखता नीडल देखता नीडल देखो नीडल रहता है आप पे नीडल ये ये और एक और रहता होगा ठीक है क्योंकि एक आर्ट्स का रहता है एक आर्ट्स का रहता है एक आपका मिनट का रहेगा और एक आपका क्या रहता है सेकंड का रहता है ठीक है तीन तीन रहते ना और ये कंटिन्यूसली क्या करते रहते चलते रहते हैं ये क्या करते रहते चलते रहते हैं ऐसे और बार बार इसी में रिपीट होते रहते हैं ले -ले, ले 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 बार बार तो ये रिपीटेशन होता रहता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही एक ही पाथ पर बार बार रिपीटेशन करता है तो वो रिपीटेशन क्या कंसिडर कर लाता है क्या कहलाता है ऑसिलेशन ठीक है अच्छा ये मान लो कोई पेंडुलम है और पेंडोलोप ऐसे ऐसे दिख रहा है ऐसे 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 दिख रहा है एक ही पाथ पर बार बार ऊपू नीचू उधर ऑसिलेट हो रहा है इधर जा रहे इधर जा रहे है इधर जाने फिर इधर जा रहे है इधर जाने फिर इधर जा रहे तो ये भी एक टाइप का क्या है ऑसिलेशन है चलो अभी तो बोला था आपने ये ऑसिलेशन होता है अरे बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश करो ऑसिलेशन वो हर चीज़ ऑसिलेशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट रिपीटेशन वर्क करता है अगेन एंड अगेन ऑन द सेम पाथ तो वो क्या कहलाता है ऑसिलेशन कहलाता है ये भी ऑसिलेशन होगा ये भी ऑसिलेशन होगा ठीक है तो ऑसिलेशन के बहुत से तरीके से अंडरस्टू जिसमें ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट करता हो अपने सेम पाथ पर उसे क्या कहते हैं ऑसिलेशन कहते हैं ठीक है बात समझे सबको दिस इज अ काइंड ऑफ ऑसिलेशन दिस इज अ काइंड ऑफ ऑसिलेशन अच्छा यहां पर देखो दिस इज अ काइंड ऑफ पेंडुलम देखा पेंडुलम क्या आप लोगों ने देखा है पेंडुलम आपके देखो पुराने जमाने में जो घड़ी होता था घड़ी में पेंडुलम रहता था जब भी घंटा बजता था घंटा बजता था मतलब कोई घंटा बज गया मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर घंटा बज रहा है टन टन मतलब तीन बज गया चार बज गया पाँच बज गया छः बज गया मतलब कुछ ना कुछ बज जाता था जब कुछ बजता था तो घंटा बजता था और घंटा बता देता था कि भाई कुछ बज गया है ठीक है मतलब वो क्या करता था एक ही पाथ पे ऐसे दिख रहे ले रिपीट करता था ले 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 रिपीट करता था ठीक है अगर कोई आ, कोई चीज़ अगर एक ही पाथ पर रिपीट करता है ऐसे ऐसे ठीक है तो वो ऑसिलेट करता है दिस इज द काइंड ऑफ ऑसिलेशन ठीक है द रिपिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सेम पाथ अगेन एंड अगेन क्या बोल रहा हूँ द रिपिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सेम पाथ अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड ऑसिलेशन तो यहाँ पेंडुलम क्या है ठीक है ये पेंडुलम मान लो यहाँ पर था यहाँ पर था इसको खींच के इसको खींच के अपन यहाँ पर लेकर आए और इसको छोड़ देंगे यहाँ से तो ये क्या करेगा अल ऐसा जाएगा फिर, फिर ऐसा जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे ऐसे क्या करता रहेगा घूमता रहेगा ठीक है और जब ऐसा घूमना स्टार्ट कर देगा तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा ये ऑसिलेशन मोशन हो जाएगा इसे ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं ठीक है ऑसिलेशन हो जाएगा तो ये भी ऑसिलेशन का क्या बेटा एक प्यारा सा एग्जाम्पल है क्या बेटा एक प्यारा सा एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है ठीक है प्यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है मजा आ रहा है चैप्टर में कि नहीं आ रहा है बच्चा बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस मजा आ रहा है एक बार बोलो यार मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां पर रूसी रावत धन्यवाद यहां पर इन्होंने अंग्रेजी बीच में कुछ बहुत अच्छा लाइन बोला है आउसोलेशन इज अ टू एंड फ्रॉम मोमेंट ऑफ पेंडुलम यस

ठीक है और मैं बहुत हार्ड भी दे सकता हूँ बहुत सिंपल भी दे सकता हूँ जब आपको पता है मेरे बच्चों को सिंपल चीज़ें समझ में आ सकती है क्योंकि तो हार्ड चीज़ें उनको हर जगह मिलती है टेक्स्ट बुक उनको हार्ड लग रहा है ठीक है उनको कॉलेज के टीचर्स का नोट्स हार्ड लग रहा है तो इसे तो अज्जू भाई का लेक्चर देख रहे हैं क्योंकि अज्जू भाई क्या देते हैं सिंपल सिंपल बना के देखते हैं ठीक है तो मैं आपको मेरे सिंपल चीज़ें दूंगा जिसमें आपको इंटरेस्ट पैदा हो और आपको भाई मज़ा आ रहा चाहिए तो यहाँ पर जो तो अंग्रेजी में लिखा था ना और इज अ टू एंड फ्रो तो मोशन ठीक है वही होता भाई इफ द पार्टिकल इज रिपीटिंग देयर पाथ अगेन एंड अगेन ठीक है उसे हम कहते हैं ऑसिलेशन क्या कहते हैं ऑसिलेशन कहते हैं ठीक है शब्दों के साथ खेलना सीखो यार ठीक है कोई गिल नहीं चलो सबको मजा आ रहा है रूसी रावत धन्यवाद चलो आगे बढ़ते हैं गाइस मजा आ रहा है कि नहीं ओ माय गॉड आज क्या बात है सिक्स फोर्टी सेवन पब्लिक इज वॉचिंग क्या बात है मजा आ रहा है मतलब लग रहा है अंदर से मेरी कंचना जग रही है धीरे धीरे वेरी गुड वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स टीचर अजय सर दीपक उपाध्याय मंडल आपका उभारी धन्यवाद बच्चा थैंक यू सो मच इतना मजा आया आगे बढ़े आगे बढ़े क्या अब यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ चैप्टर यहां से स्टार्ट हो रहा बच्चो. है बच्चों चैप्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है ठीक है चलो सर अब तक क्या बता रहे थे अब तक मैं आपको भाई आपके इर्द गिर्द ऑक्सुलेन क्या होता है जिसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हो वो सबसे आपको इंट्रोडक्शन करा रहा था कि भाई के ऑक्सुलेन थोड़ा जान लो कि ऑक्सुलेशन ऐसा कोई नया चीज नहीं कि आपको पहली बार देखना हो आपके अलग आपके अगल बगल हमेशा हो रहा है लेकिन आप उससे अपरिचित हो और परिचित भी हो तो आपको उसके आप डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है ठीक है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्या दे रहा था आई वॉज गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स दैट वॉज सोइंग से आपका चैप्टर का स्टार्ट होने जा रहा है ठीक है तो ऑसोलेशन एंड दिस इज रिटर्न बाय अजय दुबे सर थाना भाई जो दिख रहा है मैं हूं हाँ हाँ हा? अब यहां से लेते हैं चैप्टर के अच्छे से आ जाओ फटाफट -फट्ट, पब्लिक चैप्टर को कल अगर नोट मैंने बहुत भयंकर बनाया बहुत मजेदार बनाया है और इतना पक्का बोलता हूँ नोट्स देख के आप सच में ना मुझसे प्यार हो ना हो लेकिन नोट्स से प्यार जरूर हो जाएगा बिकॉज नोट्स मैंने एकदम ईजी एंड ट्रिकी तरीके से बनाया है आप लोग के लिए इसमें मैंने हर चीज कवर किया यार जितना आपको आना चाहिए और मैंने कल रात में बनाया है यार थोड़ा सा समझो यार कॉपरेट करो ठीक है चलो ऑसिलेशन क्या होता है वेन ऑन अ सेम पाथ अगेन एंड अगेन देन दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन है ना सिंपल बात कितना मैंने सिंपल इसको डिराइव किया ना कितना सिंपल भाषा मैंने आपको यहाँ बता के दिया है दिस इज वेरी मतलब चिरकुट लैंग्वेज में बताया यार मतलब मैं बच्चों को समझ में आ जाए पढ़ते ही समझ में आ जाए ठीक है तो भाई कुछ ऐसा बताओ कि बच्चों को मोहब्बत होने लगे उस चीज से तो देखो जब क्या लिखा है एनी बॉडी अगर कोई बॉडी है मूव कर रहा है ऑन सेम पाथ आगे नगेन तो उस मोशन को क्या कहते हैं ऑसोलेशन कहते हैं क्या कहते हैं ऑसोलेशन कहते हैं ठीक है एग्जाम्पल देख लेते हैं मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक ठीक है वॉच कह सकते हो जो आपके घड़ी का जो नीडल है ना ऐसा मोशन करता रहता घूमता रहता अगेन एंड अगेन बार बार ये चलो में घूमता रहता ना तो भी एक टाइप का ऑसोलेशन का एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ द धरती मैया अराउंडी भाई दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल जो भी आपको इंट्रोड्यूस कराया था द मोशन ऑफ द नीडल मशीन या जो भी आपको नीडल मशीन मैंने आपको दिखाया था टुक टुचुक टप 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 लाइक दिस वो भी आपका क्या था आपका ऑसोलेसन का एग्जाम्पल था ठीक है ऐसे बहुत से एग्जाम्पल यार जरूरी नहीं कि तीन एग्जाम्पल है जरा दुनिया भर के एग्जाम्पल तो भंडार ऑफ एग्जाम्पल आपके इर्द गिर्द दिखाई देंगे ठीक है पकड़ के ले लो समझ लेगा ठीक है तो सिर्फ टेंशन मान लो लेकिन मैंने कुछ तो आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है पीरियोडिक मोशन क्या होता है भाई पीरियोडिक मोशन क्या होता है ठीक है अगर कोई कोई मान लो जब ऑसिलेशन होता है तो उसमें पीरियडिक मोशन होने के फुल चांसेस रहते हैं ठीक है क्योंकि देखो हमारा अर्थ क्या कर रहा है ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है किसके चारों तरफ सन्नी भाई के चारों तरफ तो क्या वो पीरियोडिक है जी हा पीरियोडिक है कैसे सर क्योंकि अर्थ हमेशा इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस बार बार कवर करता रहता है ठीक है हमेशा अर्थ को अपना एक राउंड कवर करने में कितना टाइम लगता है हमेशा 365 सिक्सटी फाइव डेज मैं एग्जांपल दे रहा हूं अर्थ का ठीक है अर्थ को अर्थ अर्थ टेक्स अर्थ टेक्स अराउंड अराउंड कितना 365 डेज एंड सिक्स आवर्स ओके एंड सिक्स आवर्स टू कवर ओके द डिस्टेंस ऑफ द ओके अराउंड द सन जो सन मतलब ऑर्बिटल पाथ कंप्लीट करने में अर्थ को

हमेशा 60 मिनट होता है तो क्या हो जाता है एक घंटा हो जाता है ठीक है तो जो 60 मिनट है वो पीरियोडिक मोशन ऑफ वन आवर्स का एक आवर्स का 60 मिनट क्या है पीरियोडिक मोशन है ठीक है और इसे अगर बात करूं एक मिनट का पीरियोडिक मोशन क्या है सिक्सटी तो सेकेंड होता है जब सिक्सटी सेकेंड होगा तभी एक मिनट कहलाएगा ठीक है तो वन ईयर का कितना होता है वन ईयर का थ्री डेज होता है तभी जाके आपका वन ईयर कहलाता है एक वीक का पीरियोडिक मोशन कितना होता है सात दिन होता है ठीक है तो मतलब कोई काम कितने नेक्स्ट टाइम में फिर से रिपीट होता है वही क्या होता है पीरियोडिक मोशन होता है तो जैसे मान लो मैं अपने घर से मैं अपने घर से स्टूडियो पहुंचने में पंद्रह मिनट लेता हूं आने में और पंद्रह मिनट सपोज मुझे लगता है जाने में तो मेरा मेरे घर से स्टूडियो आना और यहां से स्टूडियो से मेरे घर जाना क्या है एक पीरियोडिक है अगर सेम टाइम मैं अगर बार बार कवर करता हूं वो डिस्टेंस को तो वो पीरियोडिक हो जाता है ठीक है बेटा समझ में आ रहा है आपको उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन और जिसको नहीं समझा इसको ले लीजिएगा क्योंकि बहुत बच्चों को बस पता है, 365 होता है लेकिन एवरी फोर ईयर्स एड होते जाते, हो जाते, six, 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 जाते तो आगे अगले चार साल में क्या हो जाता है एक दिन हो जाता है एक्स्ट्रा तो थ्री सिक्सटी सिक्स डेज हो जाता है एंड लीप ईयर वो भी आपको एडिशनली पता होना चाहिए ठीक है चलो तो एग्जाम्पल मैंने दिया मोशन ऑफ दर्थ अर्थ का जो मोशन है सन्नी भाई के तरफ वो क्या है पीरियोडिक है मोशन ऑफ द क्लॉक के भी क्या होता है पीरियोडिक होता है ठीक है चलो अगला करते बेटा लीनियर मोशन क्या होता है लीनियर हार्मोनिक मोशन लिखा गया हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन देखो दो तरीके से आ सकता है लीनियर हार्मोनिक मोशन ठीक है और एक हो सकता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक है एस एच एम इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक है सिंपल हार्मोनिक मोशन का तो? हो या लीनियर हार्मोनिक मोशन का हो ठीक है दोनों को देखो में दो तरीके से पूछ सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताओ या फिर सिंपल लीनियर हारमोनियम मोशन के बारे में बताओ ठीक है तो भाई दोनों तरीकों का जो आंसर रहेगा सेम रहेगा ठीक है इसे मान लो यहाँ पर पहली बात समझो लीनियर मतलब होता क्या लीनियर मतलब होता है कि अगर आपका मोशन स्ट्रेट डायरेक्शन में हो रहा है एक सीधा सीधा हो रहा है ठीक है मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है सीधा हो रहा है अगर आपका मोशन सीधा सीधा हो रहा है सीधा सीधा समझते हो एकदम सीधा सीधा उसे कहते हैं लीनियर क्या कहते हैं लेटा लीनियर मतलब हॉर्जेंटल अगर अगर हॉर्जेंटल वे में अगर आपका मोशन होता है बेटा तो उसे हम क्या कहते हैं दैट वी कॉल दैट लीनियर मोशन ठीक है अच्छा ये हार्मोनिक क्यों जोड़ा है अगर वो मोशन बार बार रिपीट हो रहा है सीधा तो हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है ले 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 ऐसा ले, 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 हो रहा है मतलब एक बार मोशन हो गया तो लीनियर मोशन होगा लेकिन वो रिपीट होने लगा तो लीनियर हार्मोनिक मोशन हो जाएगा क्या हो जाएगा लीनियर हार्मोनिक मोशन हो जाएगा अगर रिपीट होना स्टार्ट कर दिया तो ठीक है ये आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए तो यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ पर कोई क्या है बताया यहाँ पर कोई स्प्रिंग है दिस इज द काइंड ऑफ स्प्रिंग तो इसको हम ऐसे ऊपर ऐसे खींचेंगे तो ऊपर बढ़ेगा फिर इसको छोड़ेंगे तो पीछे जाएगा खींचेंगे तो उधर आएगा और छोड़ेंगे तो सीधा जाएगा और मतलब मोशन तो सीधा हो रहा है ना मतलब मोशन सीधा ही होगा लेकिन ऐसे ऐसे होगा तो इस काइंड ऑफ बोर्ड क्या होगा लीनियर हार्मोनिक मोशन हो जाएगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहा जाता है अब इस केस में अगर आप देखोगे ठीक है जिसमें देखोगे तो अगर आप यहाँ पर क्या करोगे यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट रहते हैं ठीक है थीके? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं अपोजिट वह एक्ट करते हैं कैसे सर जैसे कि मान लो आप उनको फोर्स से आगे खींच के लाए हो तो फोर्स छोड़ोगे तो वो पीछे भाग जाएंगे मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट पीछे हो जाएगा अगर आपने फोर्स खींच के आगे लाया हो तो वो पीछे भाग जाएंगे ठीक है और नॉट अगर आपने फोर्स देकर उनको दबा दिया है जैसे फोर्स देकर तो आगे बढ़ जाएंगे ऐसा होता है ना स्प्रिंग है और स्प्रिंग को आपने दबा दिया है फोर्स लगा के और जैसे फोर्स हटेगा वो डिस्प्लेसमेंट आगे भाग जाएगा ठीक है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं अपोजिट होते हैं और अनस्टूडोनॉट हमेशा ध्यान दीजिएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब जितना आपने फोर्स दिया है उतनी ही आगे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अगर आपका फोर्स हट गया तो वहाँ से जैसे कि मान लो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं इलास्टिक मोशन भी दिखा रही है क्योंकि तो इलास्टिक समझते हो जैसे कि मान लो आप मेरे पास आपने देखा होगा कोई बस होता है बस टी का एस का बस होता है तो भोपुर पो 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 ठीक है तो भोपुर दबाओ लो पो दबाए ना जब तक दबाओ तो जब, जब तक दबाओगे तब तक, दबाओ, तक दबा रहेगा लेकिन जैसे उसको हटा दोगे ना पवा फूल जाएगा दबाओगे पौ पचक जाएगा फिर पौ फूल जाएगा मतलब फोर्स लगाते पुचक जाएगा और फोर्स हटते ही फिर से अपने फॉर्म में आ जाएगा तो इज अ काइंड ऑफ इलास्टिक जैसे मान लो रबड़ है मेरे पास रबड़ रबड़ को मैं जो खींचा जब तक फोर्स है तब तक ये भाई ठीक है ऐसा है तना हुआ है जैसे फोर्स हटेगा फिर से अपने ओरिजिनल औकात में आ जाएगा रबड़ तो वो क्या टाइम का इलास्टिक मोशन है यहाँ पर इलास्टिक मोशन ही चल रहा है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दूसरे के अपोजिट एक्ट करते हैं ध्यान दीजिएगा ठीक है तो लीनियर सत्यम ऐसा मौसम है मौसम होता है जिसमें हमने क्या कंसिडर किया है कोई स्ट्रिंग लिया है क्या क्लियर बोला कोई स्ट्रिंग लिया है और स्ट्रिंग में यहाँ पर देख लोगे स्ट्रिंग पर अगर मैं फोर्स इधर लगाता हूँ दबाता हूँ स्ट्रिंग को ठीक है और दबा के मैं फोर्स हटा देता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट इधर होने लगता है फोर्स मैंने इधर लगाया था लेकिन जैसे मैं फोर्स हटा दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आपका इधर होने लगेगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा ठीक है तो ध्यान दीजिएगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन ठीक है ये ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रपोर्सली साइन हटेगा तो यहाँ पर मुझे कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू लेना पड़ेगा सपोज मैंने कॉन्स्टेंट वैल्यू लिया है के, के यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगा और माने साइन आपका इंडिकेट करेगा कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका अपोजिट आप डायरेक्शन में हुआ है अरे भाई सही बोल रहा हो ना जैसे कि स्प्रिंग है स्प्रिंग स्प्रिंग को आप दबाओ तो दबाया आपने इस डायरेक्शन में लेकिन जैसे आपने फोर्स हटा दोगे तो स्प्रिंग इधर भागेगा मतलब स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा फोर्स आपने इधर लगाया था डिस्प्लेस इधर भागेगा तो मतलब दोनों क्या हो गए अपोजिट हो गए ठीक है इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं जिस तरह से हमने उसको रिलेशन ऐसा बना सकते हैं और प्रपोजिटिव साइड को मतलब हटाते हैं तो यहाँ पर के लेंगे क्या लेंगे विल टेक के और के यहाँ पर क्या रहेगा पता है के विल नोन एज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या रहेगा के इज के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या कहलाएगा ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कहलाएगा ठीक है बेटा ये ध्यान दीजिएगा ठीक है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट

एक एक चक्कर मारने के लिए सूर्या भाई के कितना टाइम लगता है थ्री सिक्सटी फाइव डेज तो वो वो ऑसोलेशन का पीरियड कितना हो गया थ्री सिक्सटी फाइव डेज एंड सिक्स आवर्स हो गया वही इनका टाइम पीरियड हो गया ठीक है जिसे मान लो मुझे मेरे घर जाने में और घर से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है पंद्रह मिनट जाना और पंद्रह मिनट आना तो पंद्रह मिनट मेरा क्या हो गया टाइम पीरियड हो गया मतलब कोई ऑसोलेशन होने में ठीक है ऑक्सोलेशन समझते हो एक रिपीटेशन होने में जो टाइम इंटरवल लगता है उसे हम क्या कहते हैं वी कॉल देम पीरियड ऑफ ऑसोलेन जिसको टी से जाता है टाइम पीरियड ठीक है जिसे मैं अंग्रेजी में लिखा है बेटा क्या लिखा है बेटा ध्यान पे एक oscillation complete करने के कि कि कितना लगता है उसे क्या कहते हैं पीरियड ऑफ ऑसोलेशन कहते हैं जो बचपन में देखा था ठीक है चलो आगे करते हैं अगला बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसोलेशन फ्रीक्वेंसी आपको पता है फ्रीक्वेंसी मार्केट में बहु रुपया रहता जिस बहु रुपया ठीक है बहु रुपया समझते हो इसके बहुत से फेसेस हैं डिफरेंट फेसेस मतलब इसकी पहचान ना आपको मार्केट में आपको एन एन मतलब एन से भी फ्रीक्वेंसी डिनोट किया जाता है और कहीं कहीं एफ से भी फ्रीक्वेंसी डिनोट किया जाता है और कहीं कहीं न्यू से भी फ्रीक्वेंसी डिनोट किया जाता है मतलब आपको पता होना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके तीन सिंबल आपको तीन सिम्बॉल होना चाहिए क्या होना चाहिए एन एफ़ और न्यू और कहीं कहीं, -कहीं फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली वन अपॉइंट टी भी शो करते हैं क्या शो करते हैं वन अपॉइंट टी ठीक है तो मतलब मेन तो तीन ही होते हैं लेकिन कभी कभी आपको ये भी दिखाई देगा तो समझ लेना क्या फ्रीक्वेंसी है क्या बेटा ये फ्रीक्वेंसी ही है क्या है ये फ्रीक्वेंसी ही है ठीक है तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बता देता हूँ फ्रीक्वेंसी के बहुत से सिम्बॉल होते हैं ठीक है कन्फ्यूज मत होना अगर कहीं आपको मैंने फ्रीक्वेंसी एन से एन से डिनोट कर दिया एन तो भी समझ जाना कि वहाँ पर लगता है सर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं अगर मैंने कहीं पर एफ से डिनोट कर दिया तो भी समझ जाना कि सर शायद फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं अगर सपोज कभी मैंने मेरा सटक गया था माँ से सटक ली देन अगर मैंने न्यू से डिनोट कर दिया तभी तो समझ आ रहा है कि सर लगता है फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो मतलब कंफ्यूज मत होना बच्चों अगर आप फ्रीक्वेंसी है और उसके आपने न्यू ऐड किया है तो फ्रीक्वेंसी मान लेना अगर एन क्या तो मतलब एट ए टाइम एक ही करना ऐसा नहीं कि एट ए टाइम आप एन को भी दिखाओ एफ को भी दिखाओ ठीक है और न्यू को भी दिखाओ इसको न्यू कहते हैं इसको न्यू कहते हैं क्या कहते हैं न्यू दिख रहा है न्यू और इसका अंग्रेजी वर्जन होता है एन जैसे आपको पता है म्यू ये पता है म्यू ये ये पता है म्यू जैसे म्यू कहते हैं ना जो क्या होता है मीडियम के लिए होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है तो इसका भाई क्या होता है न्यू होता है जिसको ऐसे डिनोट करता है ऐसा इसको न्यू कहते हैं और इसे फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं किसके लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा किसके लिए फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में ठीक है ध्यान दीजिएगा चलो जो रफ कर दूं मैं चलो रफ कर दिया इसको अब बात करता हूं मैं फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है द नंबर ऑफ ऑसोलेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम टाइम मतलब दिए हुए में ठीक है एक गिवन टाइम में कोई पार्टिकल कितने बार ऑसोलेशन करता है उसे क्या कहते हैं उसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं जैसे कि मान लो ये कोई रॉड है और इसमें मैंने कोई बॉब लगा दिया ना पेंडुलम बना दिया इसको और इसको मैं इसे घुमा रहा हूँ ठीक है ये मान लो एक सेकंड में पांच राउंड मारता है मतलब आप एक सेकंड काउंट करो तब तक पांच राउंड इसे मार देगा ले 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 फटाफट तो इसकी एक सेकेंड की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई फाइव हो गई मतलब दिए हुए गिवन टाइम पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई ऑब्जेक्ट कितना फटाफट रिवोलेशन कर रहा है फटाफट वहाँ पर ऑसलेन करता है वो नंबर ऑफ काउंट जो होता है ऑसोलेशन का वही क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है क्या होता है बेटा फ्रीक्वेंसी होता है ठीक है मतलब मतलब पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितने बार ऑसलेशन कर सकता है मान लो नीडल मशीन है जो सिलाई करता है सिलाई वाला मशीन क्या करता है टप टपा टप टपा टप 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 हो ना फटाफट फटाफट ऐसे करता है ना तो मतलब एक सेकंड में कितना राउंड मार रहा हो ठीक है तो उसका एक सेकंड में आपका जो नीडल मशीन है पांच राउंड चल रहा है ठीक है खट 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 तो मतलब एक सेकंड का नीडल मशीन का जो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया ऑसलेन करने की पांच हो गई ठीक है समझा मेरी बात उसे कहते हैं उसका और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसलेसेशन कहते हैं ठीक है और मार्केट में आपको बेटा क्या बोलते हैं द नंबर ऑफ ऑसलेशन पर परफॉर्म बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम जो होता है उसे क्या कहते है? Frequency कहते हैं? हैं. हैं, मतलब मतलब हो गया इसको आप N से denote करते ठीक है और गंदा वाला प्यार आ जाए तो आप एफ की जगह पे न्यू भी ले सकते हो तो अगर आप वन अपॉन टी इक्वल टू एन लिखते हो तो भी आपका राइट रहेगा अगर आप एफ लिखते हो तो भी आपका राइट रहेगा अगर आप वन अपॉन टी की जगह टू लिखते हो तो भी आपका राइट रहेगा लेकिन एक साथ तीनों मत दिखा देना एट ए टाइम कोई एक ही लेके चलना चाहे अगर आप ये लेके चलो तो ये लेके चलो या फिर ये लेके चलो तो ये लेके चलो या फिर अगर आपको इससे मोहब्बत हो गया तो उसको लेके चलो लेकिन एक साथ तीन बीबी रखना गलत बात है एक समय एक ही चल ठीक है चलो अगला समझा मेरी बात एम्पलीट ऑफ देखो एम्प्लीट ऑफ एस एच एम क्या होता है बेटा ऑफ सिंपल हॉर्मोनी मोशन मतलब जब मोशन होता है मतलब ऑसोलेशन होता है एम्पलीट्यूड क्या रहता है मतलब इसे क्या लिखा गया है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पॉइंट ऑफ एस एच एम एंडोट करते हैं किसकेट करते हैं बेटा आप इसको स्मॉल ए बन डिनोट करो ठीक है कर करने के लिए कर भी सकते हैं आपको कहीं पर बहुत सारे ऐसे लेक्चर रहेंगे जो आपको स्मॉल ए स्मॉल ए दिखाई देंगे कि आप उससे डिनोट करो कर दो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको इसको प्रीफर नहीं करने बोलूंगा आप बोलोगे ए कैपिटल ए इस्तेमाल करो कैपिटल एम्पलीट्यूड को दिखाने के लिए आप किसका सिंबल इस्तेमाल करो कैपिटल ए का इस्तेमाल करो तो क्योंकि ए से कंफ्यूज हो क्योंकि इसमें आपको ना एक्सेलेशन पढ़ना है क्या पढ़ना है एक्सेलरेशन क्योंकि एक्सेलरेशन का सिंबल जो, जो होता है क्या होता है स्मॉल ए होता है ठीक है तो आपको इस चैप्टर में एक्सेलेशन भी पढ़ना है और एम्पलीट्यूड भी पढ़ना है तो अगर मैंने इसको भी स्मॉल ए से नोट करने के लिए बोल दिया ऑलरेडी ये तो स्मॉल ए से डिनोट करते ही तो आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं मिस्टेक कर दोगे या फिर अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे तो शायद एग्जामिनर गलती से मिस्टेक कर देगा आपको चेक करने में ठीक है तो अब मैं प्रीफर करूंगा कि आप स्मॉल ए की जगह पे कैपिटल ए को इस्तेमाल करना क्या शो करने के लिए एम्पलीट्यूड को शो करने के लिए ठीक है अब चलो बात करते हैं एम्पलीट्यूड होता क्या है ठीक है लेट्स टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड होता क्या है तो क्योंकि यहाँ ध्यान दो बेटा क्या लिखा हुआ लिखा हुआ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पॉइंट ठीक है मतलब कोई पार्टिकल है वो अपने ऑब्जेक्ट पे मैक्सिमम कितना हाइट पे जाके फिर से नीचे आता है उसे कहते हैं उसका क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड जिसे मान लो ये आपका नीडल मशीन है और ये देखो यहाँ पर टच हो, हो रहा है इतना उठ रहा है इतना टच हो रहा है इतना उठ रहा है इतना टच हो रहा है इतना उठ रहा है तो मैक्सिममली नहीं यहाँ से कितना ऊपर जा रहा है ठीक है इतना जा रहा ऊपर ना तो इसका क्या होगा एम्पलीट्यूड होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इतना ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट इतना जा रहा है ना तो इसका यहाँ से यहाँ से इतना दूरी पर क्या हो गया इतना से इतना क्या हो गया इसका एम्पलीट्यूड हो गया जैसे कि मान लो एग्जाम्पल देता हूं आ, यहाँ पर ध्यान दो बेटा देखो तो कोई पाथ है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है अपना मान लो अंड्या खड़ा है कौन खड़ा अंड्या आंड्या यहाँ पर मेन पॉइंट पर कहा पर मेन पॉइंट पर ठीक है और यहाँ से ये यह यहाँ पर गया है ठीक है मतलब यहाँ पर जाके खड़ा हो गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक तो हुआ तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसके आगे कहीं गया ही नहीं इसके आगे कहीं गया नहीं बस वहीं जाके रुक गया है ठीक है तो इसका क्या हो गया जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वही इसका क्या होता है आ, amplitude होता है तो यहां से यहां से किया, को करते है से, तो यही आपका क्या होगा होगा क्या होगा एम्पलीट्यूड मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपने मेन पॉइंट से कितना मैक्सिमम दूरी पर जाता है तो उसे कहते हैं उसका ये तो आपका ठीक है ठीक है टचिंग करने के लिए कितना ऊपर उठता है तो मान लो इतना ऊपर उठ के इतना नीचे आता है ठीक है इतना ऊपर उठता है फिर नीचे आता है मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तब तो जाके नीचे आता है तो बता इसका क्या क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं नहीं समझा और समझाता हूँ देखो ये मान लो आपका ऐसा कुछ है ठीक है ऐसा 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 है देखो यहाँ पर यहाँ से इतना ऊपर गया है ये यहाँ से इतना ऊपर गया है फिर इतना थोड़ा नीचे हो गया है फिर थोड़ा नीचे हो गया है फिर नीचे हो गया थोड़ा और नीचे हो गया ऐसे नीचे हो गया फिर नीचे हो गया तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ये हाई से लो जा रहा है क्या जा रहा है देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड हाई है क्योंकि बहुत ऊपर गया है फिर थोड़ा सा आ गया है फिर नीचे आने लगा है मतलब एम्पलीट्यूड हाई से लो हो रहा है क्या हो रहा है हाई से लो हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ था यहाँ पर था ऑब्जेक्ट यहाँ से इतना ऊपर जाके फिर नीचे आया फिर थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया फिर हल्का ऊपर गया तो जो दिख रहा है इसका ऊपर का कितना ऊपर जाके फिर नीचे आता है तो ये उसका होता है एम्पलीट्यूड उसके मेन पॉइंट से कितना ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है ये भी एम्पलीट्यूड कहलाता है मतलब ये हो गया ऐसा ऊपर में वर्टिकल में और होरिजेंटल में देखा जाए तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर, पर था यहाँ से समझ लो यहाँ पर खसक के आ गया पॉइंट ए पर था अब पॉइंट बी पर आके खड़ा हो गया तो इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट किया और ये डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा मैक्सिमम होगा क्योंकि इसके आगे कहीं जा नहीं रहे और ये इसका क्या कहलाएगा एम्पलीट्यूड कहलाएगा क्या कहलाएगा एम्पलीट्यूड कहलाएगा बेटा क्या कहलाएगा एम्पलीट्यूड कहलाएगा सपोज ये जगह ही पर मतलब आपका मेन पॉइंट था और यहाँ अपना अंडिया था आंडिया यहीं पर है ना इधर गया और ना इधर गया ठीक है मतलब इसने कहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं किया इसने डिसमेंट क्या किया मतलब मेन पॉइंट पर रह गया इधर गया ना इधर गया तो इसका जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रहेगा क्या रहेगा जीरो रहेगा अब डिस्प्लेसमेंट जीर जीरो रहेगा तो इसका एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा जीरो रहेगा समझा बेटा क्योंकि हाँ डिस्प्लेसमेंट फॉलेंगे जब डिस्प्लेसमेंट होगा तभी तो आपका एम्पलीट्यूड बनेगा समझा मेरी बात तो इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड अंडरस्टूड नॉट तो यह सब चीजें आपको समझ में आना चाहिए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो किसको कुछ कॉपी ओपी करो तो कर लो कर लो ठीक है

तो कितना डिग्री पे लगभग अंदाजा बोला जाए तो अंदाजा अप्रोक्सीमेटली थ्री सिक्सटी डिग्री पर ना ऐसे गोल गोल घूमती है ठीक है तो मतलब ऐसे कितना एरिया कवर करता करते है? कोई मोशन करता है ऐसे में या ऐसे में या ऐसे में तो कितना डिस्टेंस कवर होता है उस मोशन के दौरान तो वही उसका क्या होता है बेटा पाथ लेंथ होता है क्या होता है पाथ लेंथ होता है क्या होता है पाथ लेंथ होता है पार्टिकल का जो पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा होता है ठीक है चलो मैंने समझा मेरी बात चलो ओके अब यहां से आपका क्या चालू होने जा रहा है यहां से आपका डेरिवेशन यहां से आपका क्या चालू डेरिवेशन डेरिवेशन स्टार्ट फ्रॉम हेयर यहां से आपका डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है ठीक है और सब ताड़ी करेंगे फटाफट ठीक है क्योंकि सब डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में आने का फुल चांसेस है बेटा। ये चैप्टर अगर आपके एग्जाम में है तो आपका समझ लो ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस रहता है बोर्ड एग्जाम का या फिर आपके टीचर्स लोग का जो क्वेश्चन बनाते हैं ठीक है तो आपका पहला जो डेरिवेशन का नाम है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है ऑफ लीनियर एस एच एम का ठीक है मतलब जो कहीं मोशन हो रहा है स्ट्रेट मोशन हो रहा है और उस पर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है ठीक है उसका डबल डेरिवेटिव निकालना है कि उसका मोशन किस तरह से हो रहा है ठीक है तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन करके ऐसा एक डेरिवेशन है उसको हमें अच्छे से करके लेना है और ये मार्केट में दो नंबर के लिए फेमस है दो नंबर के लिए आएगा तो दो नंबर के लिए आएगा ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका जो आंसर पता है क्या होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो इसका आंसर है ठीक है अब ये आंसर कैसे आया है क्या क्या करना पड़ा है वो जानने के लिए थोड़ा इंतजार करो क्योंकि मैं सब बताने वाला वालों सब बताऊंगा यहाँ पर ये यह मैं आपको फाइनल आंसर बता इस फाइनल आंसर आप जब इसको डिराइव करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन को तो आपको लास्ट में यही आंसर मिलने वाला है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो दिस इज द लास्ट वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू ओके गेट हीयर आपको यहाँ मिलने वाला है ठीक है तो हम यहाँ से करेंगे, करेंगे. स्टार्ट करेंगे आप डेरीवेशन स्टार्ट करेंगे डेरीवेशन आपका बेटा यहाँ स्टार्ट होने वाला है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं ध्यान दीजिएगा ठीक है अगर आपको अच्छे से मजा लेना है थो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब यहाँ से आपका पूरा चैप्टर डेरीवेशन ही है अब यहां से थेरी बिल्कुल नहीं है थेरी खत्म हो चुका है अब पूरा डेरीवेशन है डेरिवेशन ठीक है थेरी मतलब इसी की अभी हम जो पढ़ रहे थे ऊपर ना ऊपर क्या पढ़ रहे थे ये सब पढ़ रहे थे ना ये सब ये सब थेरी था थोटिकल इन्फॉर्मेशन था ठीक है लेकिन ये भी थेरी का पार्ट है लेकिन इसमें डिराइव करना में इक्वेशन को फॉर्म करना है ठीक है तो यहाँ से थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिएगा क्योंकि तो यहाँ से अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको मजा आएगा क्योंकि चैप्टर में जो भी कठिनाई लगता है जो भी हार्ड लगता है सब यहीं से शुरू होता है इससे पहले तो आप रट्टा बिट्टा मार के लर्न बिन कर लोगे लेकिन यहां से रट्टा कितना मार पाओगे यार कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ओके इंस्टेट ऑफ रट्टा मार रट्टा मारने के पर कंसेप्ट समझ लो आपको मजा आ जाएगा और एक बार जब समझ में आ जाएगा तो भाई रट्टा दो नहीं मारोगे हमेशा समझ के लोगे ठीक है चलो अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एस देखो हम। तो इसमें हमें ना सबसे पहले चीज हमें क्या करना पड़ता हमें तीन इक्वेशन निकालना है तीन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन से जो जुड़े बता देता हूं मैं कुछ पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूं आपको ये जो मैं करने वाला हूं ये वाला इससे जुड़े तीन इक्वेशन पहले जब इसको सॉल्व करूंगा इसको जब सॉल्व करूंगा तो मुझे सबसे पहले इक्वेशन मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन आपको मिलेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो हमें सबसे पहले ये मिलने वाला है उसके बाद हमें इसी का इस्तेमाल करके जो यहाँ मिलेगा ना जो यहाँ मिलेगा पहले इसको सॉल्व करूंगा बताऊंगा कैसे आया टेंशन मत लो टेंशन मत लो टेंशन मत लो कि कैसे है बताऊंगा मैं आपको ठीक है लेकिन जब ये आ जाएगा फिर इसी का हेल्प करके इसी का हेल्प लेके ना आपको सेकंड निकालना है ठीक है सेकंड निकालना है और सेकेंड जो निकालना है आपको एक्सल्रेशन निकालना है ठीक है जैसे कि कोई लीनियर मोशन हो रहा है लीनियर मोशन तो उस लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट का एक्सल्रेशन कितना है वो निकालना है तो आप कैसे निकालोगे तो इसी का इस्तेमाल करके आप उसको कर लोगे जो कि तो आपको आंसर आएगा ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा ठीक है अब जब इसको सॉल्व करो तो आपको तीसरा काम करना है वेलोसिटी निकालना रहेगा ठीक है थीके? इसी से अब वेलोसिटी निकालने के लिए आपको इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक है थीके? जो आपका आएगा वी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आएगा ठीक है अब उसके बाद चौथा चीज आपको निकालना है इसी का इस्तेमाल करके ठीक है इसका इस्तेमाल करके अगला वाला सॉल्व करो जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट निकालना रहेगा जो कि आप एक्स से डिनोट करोगे डिनोट करो एक्स से जो कि आपका आंसर आएगा ए साइन ओमेगा प्लस आप यहां ले सकते हो अल्फा या ले सकते हो फाइव कोई भी एंगल ले सकते हो ठीक है थीके? तो आपको यह आएगा तो बेटा सबसे पहले हमें यह सॉल्व करना है क्या सॉल्व करना है हमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ध्यान दीजिएगा ठीक है भूलना मत सबसे पहले हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन ये, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारा जो है ना ये वाला ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके हम सेकंड क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन निकालेंगे ऑफ एस एच एम का उसके बाद हम वेलोसिटी निकालेंगे एस एच एम का उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एस एच एम का मतलब हमें इसी चीज़ पर बेस ये सब निकालना है सबसे पहले हमें ये निकालना है फिर हमें ये निकालना है फिर हमें ये निकालना है फिर हमें ये निकालना है और सबके सब डेरिवेशन है ऑल आर डेरिवेशन बेटा सबके सब डेरिवेशन है ठीक है लेकिन अगर ध्यान दोगे तो आपके लिए तो हवा हो जाएगा बॉस एकदम हवे इतना बताऊंगा एकदम सिंपल बताऊंगा ठीक है बहुत ईजी के अंदाज में बताने वाला हूँ सबसे पहले हम ये निकालेंगे लेकिन जो इसी के बेस पे हम अगला निकालेंगे फिर जो अगला आएगा इसी को लेके हम अगला निकालेंगे फिर इसको लेके हम इसको निकालेंगे ठीक है तो ध्यान दीजिएगा ये आपका एक्सेलरेशन है ये आपका वेलोसिटी है और यहां पर जो एक्स है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो एक्स है ये आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया गया है इस चैप्टर में ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में ध्यान दो कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हो बेटा इस चैप्टर में एक्स को क्या लिया गया पता है एक्स को डिस्प्लेसमेंट लिया गया है जिसको जिसको कंफ्यूजन रहता है ध्यान दीजिएगा ठीक है यहां पर एक्स को किससे डिनोट किया गया है एक्स को डिस्प्लेसमेंट से डिनोट किया गया है बी तो सबको पता है वेलोसिटी रहेगा ठीक है क्योंकि बच्चे सिंबल को लेके कंफ्यूज रहते हैं और ये आपका यहाँ पर स्मॉल रहेगा तो आपका एक्सेलोशन रहेगा क्या रहेगा एक्सेलोरेशन रहेगा ये चीजें आपको बता देता हूँ बेटा ठीक है दीज आर शुड बी क्लियर ये आपका क्लियर होना चाहिए ठीक है चलो अब स्टार्ट करें क्या कैन बी स्टार्ट टू डिराइव द डेरिवेशन ओके ओके आपको ये सब चीज़ें पहले बताना जरूरी था ठीक है जैसे आपको जब टीचर आपको पिकनिक लेके जाते तो कुछ नियम का, कायदा बताते ना कि आपको क्या लाना है क्या नहीं लेना है कहाँ मस्ती करना है कहाँ पर किसके साथ जाके डीजे डांस करना है रैन डांस करना है चुपके से पकड़े जाओगे तो मार खाना है ठीक है तो ये सब चीज़ें पहले बताते ना चलो आई थिंक मैंने आपको सब इंट्रोडक्शन दे दिया है मंगता है किसी को कुछ चाहिए तो यहाँ पर कॉपो ले लें स्क्रीन शॉट ले लें पटाख से चलो अब क्या करें बेटा वट विल डू हियर इसको मैं अब करने जा रहा हूँ रफ करने अब मैं स्टार्ट करता हूँ ठीक है सब रेडी है देख लो मुझे कितने लोग देख रहे हो काफी टाइम से मैं आपको देखा नहीं ना एक झलक मार लो आप लोग का कितने लोग मुझे देख रहे हो कैन आई सी यू गाइस सर स्क्रीन में पूरा ब्लर दिख रहा है तो कुछ समझ नहीं रहा क्या बेटा आपको दिख नहीं रहा है सबको क्या आप लोग को दिख नहीं रहा है क्या आप लोग को दिखने, लोग को दिखने नहीं दिख रहा है अब बताओ अब बताओ अब दिख रहा है सबको अब दिख रहा है ओके अच्छा सुनो लिसन लिसन अब तक जितना हमने पढ़ा है उतना क्लियर हुआ सबको अब तक जितना बताया सबको क्लियर क्लियर तो बोलो ऑल क्लियर ऑल क्लियर बोलो अगर क्लियर तो ऑल क्लियर बोलो अब तक जितना मैंने बताया ऑल क्लियर बच्चों सबको क्लियर क्या बता रहे देखो तो क्या लिख रहे हो यस सर यस सर हाँ सर सब हाँ सब क्लियर था सर ओके मजा आ रहा है बच्चों मजा आ रहा है ऑस्टेशन आपको टफ लग रहा है क्या अब तक टफ लगा आपको आ? टफ लग रहा है क्या जी ना ऑल क्लियर ऑल क्लियर क्या बात है क्या बात है मेरे बच्चों आज बहुत हैप्पी लग रहे हो वेरी गुड वेरी गुड आज मैं खुश हूं कि आप खुश हो चलो मतलब मजा आना चाहिए यार मेरे कहने मतलब यार मेहनत करता हूं तो उसका कुछ फल मिलना चाहिए फल मतलब यह है कि आपको मजा आपका मजा मेरा फल है ठीक है अगर आपको मजा आ रहा है मतलब मेरा मेहनत एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है बिकॉज मैं तो यार मेहनत तो गधा भी करता है ठीक है लेकिन गधे को लोग सब लोग अप्रिशिएट नहीं करते नॉट तो हमें कुछ स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है ताकि मेरे बच्चों को समझ आना चाहिए मेन हमारा यही मेरा मेरा मैं खुद का बोल रहा हूँ जहाँ तक तो मेरा सोचना है कि मैं जो पढ़ाऊँ आपको समझ में आना चाहिए ठीक है वेरी गुड इजी बिग फैन सर धन्यवाद आपका वेरी गुड वेरी गुड चलो अच्छी बात है ओके okay, ओके okay. अच्छा मैं आपको न बोलूंगा आई विल टेल यू वन थिंग आइस कि थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहिए क्योंकि अभी से हम सिर्फ डेरिवेशन नहीं डेरिवेशन का झलक एक बार झलक दिखा दू क्या एक बार आपको झलक दिखा देता हूँ ठीक है देखो आपका डेरिवेशन यहाँ स्टार्ट हुआ है अब देखो ये सब हमें आज करना है इसके बाद हमें क्या निकालना है एक्सप्रेशन निकालना है एक्सप्रेशन निकालने के बाद हम निकालेंगे क्या क्या निकालेंगे वेलोसिटी निकालेंगे उसके बाद हम क्या निकालेंगे उसके बाद हम निकालेंगे एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ठीक है सब डेरिवेशन है सब उसके बाद एनर्जी निकालेंगे एस में हाँ हाँ मतलब भाई बहुत कुछ है आप मजा है। तो सब डेरिवेशन है सबके सब डेरिवेशन सब आपको कहीं थेरी नहीं थे दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक है सब डेरिवेशन है इस चैप्टर में पूरा डेरिवेशन डेरिवेशन है ठीक है थीके? इस चैप्टर से हर कोई डरता है लेकिन हमें डरना नहीं है इसके अच्छे से लेना है ये भी आपको बताऊंगा ठीक है ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एनर्जी का चलो आगे बताऊंगा आपको ये फेज क्या होता है कुछ बच्चों को फेज नहीं पता रहता ठीक है ये भी बता दूंगा मैं आपको बहुत सस्ता बताऊंगा उसका सबसे डेंजर इस चैप्टर का वाई सबसे डेंजरस <laughs> क्या बोलो सब मेरा नहीं दिस इज नॉट माइंड मेरे बच्चों लोग को बहुत लोग को लगता था लेकिन याद वादा है कि आज के बाद उनको चिंदी लगेगा बिकॉज बहुत चिरकुट यार इसके अच्छे से लेंगे आज ठीक है ये कॉम्पोजिशन वाला बच्चे क्या हमेशा लेफ्ट कर देते क्योंकि बहुत बड़ा है यार बहुत बड़ा है इस एक डेरिवेशन में चार डेरिवेशन है एक ही डेरिवेशन में चार डेरिवेशन डेरीवेशन एक दो तीन चार वजह से बहुत बड़ा हो जाता है एग्जाम में आपका तीन नंबर के लिए आता है ठीक है मतलब यार बहुत कुछ बड़ा बहुत बड़ा ये लेकिन बता दूंगा बहुत सस्ता बताऊंगा ठीक है देखो इतना लिखना है उसके बाद पीछे आ जाओ देखो कंटिन्यू उसी का पार्ट है सब उसी का पार्ट है और आ जाओ सब उसी का पार्ट है ठीक है और आ जाओ यहाँ पर ख़त्म किया है ठीक है वो डिशन यहाँ पर खत्म किया है उसके बाद आपका बचेगा सिंपल पेंडुलम उसके बाद आपका एक्सप्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम फिर आपका यहाँ पर खत्म <laughs> चैप्टर खत्म जाओ घर पे जाओ जाओ खत्म कर दे क्या चैप्टर खत्म कर दें <laughs> चलो चलो मिल जाएगा मिल जाएगा सबको मिल जाएगा चलो थैंक यू बोलता हूँ थैंक यू थैंक यू <laughs> अरे मस्ती करो भाई जाना मत मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा था कि आज करना क्या है सब डेरिवेशन है तो थोड़ा अपने आप को खा पी लो मेंटली प्रिपेयर कर लो मजा आएगा क्योंकि आज को अच्छे से लेना है समझ के ठीक है आज चैप्टर को खत्म करके लेना अच्छे से क्योंकि तो बच्चे हमेशा डेरिवेशन से भागते हैं और डेरिवेशन मैंने बहुत सिंपल बनाया है बहुत सिंपल इतना चिरकुट बनाया है ठीक है इससे आपको मजा आएगा तो प्लीज कॉपरेट करो आ जाओ यहाँ पर ओके

718 लोग देख रहे थे कितना ठोका कितने लोगों ने अरे क्या बात है 700 लोगों ने ठोक भी दिया क्या बात है वेरी गुड धन्यवाद आपका लग रहा है आज हजार के ऊपर पहुंच जाएंगे हम ठीक है चलो अच्छी बात है प्यार बरसाते रहो ओके सेकेंड बच्चो एक सेकेंड ना मुझे थोड़ा सा कॉल आ रहा है जस्ट एक जन को मैं मैसेज कर देता हूँ बिकॉज मैं लेक्चर में हूँ और वो मुझे कॉल कर रहे हैं एक सेकेंड एक सेकेंड ना सेकेंड बच्चों नाउ चलो मैंने मैसेज कर दिया है अब डिस्टर्ब मुझे नहीं करेंगे वो अब मैं और सिर्फ आप हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं चाहिए ठीक है आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस चलो नाउ ओके गाइस चलो स्टार्ट अरे नहीं क्या बोलो पगलो ए अफवाह मत फैलाओ जीएफ का कॉल था कोई जीएफ नहीं है ठीक है थारा भाई ऐसा कुछ मत बोलो चलो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर लीनियर एसएचएम का डेरिवेशन करते हैं ठीक है थीके? हमारा टारगेट है क्या करना पता है हमारा टारगेट है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो निकालना है यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है अब हमें ये निकालना है दिस इज द टारगेट ये हमारा टारगेट है ठीक है ये हमारा टारगेट है इस डेरिवेशन का ये हमारा टारगेट है अब इस टारगेट तक तो कैसे पहुंचा जाए ठीक है चलो देखते हैं क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लीनियर एस एच एम इन डिफरेंशियल फॉर्म सबसे पहले हमने ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसका याद आ गया पता है अंकल का लॉ याद आ गया कौन अंकल न्यूटन अंकल न्यूटन ने सेकेंड सेकेंड लॉ में बका था कि फादर इक्वल टू मम्मा होती है हा भाई सही बात बताया इक्वल टू मम्मा ठीक है तो सबको पता होना चाहिए ठीक है ऐसे एग्जाम में मतलब क्या जाना अंकल का सेकेंड लॉ पपा इक्वल टू मम्मा ठीक है बस ट्रिक मैंने बताया याद करने के लिए एफ फोर फादर एम मतल ठीक है देखो एफ मतलब यहां पर जो फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ एफ यहाँ पर बेटा क्या है फोर्स है क्या है बेटा फोर्स ठीक है ये आपका फोर्स फोर्स है अब फॉर्मूला क्या? क्या होता है मास इंटू एक्सलोरेशन ठीक है तो दिस इज द अंकल सेकेंड लॉ ये आपको पता था तो अब हमें एफ इक्वल टू एम ए पता है और हमें एक चीज और पता है बाई डेफिनेशन ऑफ एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी हमने ऊपर देखा था इंट्रोडक्शन में देखा था ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं जिसके वजह से वहां पर क्या बनता है आपका इक्वेशन ऐसा बनता है अभी मैंने इसको देखा था ऊपर ना इसको देखा था ना ये yes सोनो no? तो हम क्या करेंगे वार्ड वी विल डू हियर हम अब यहाँ पर एफ का जो वैल्यू आपको पता है माइनस के एक्स होता है फिर इसी वैल्यू को हम यहाँ उठा के पटक देंगे ठीक है तो एफ इक्वल टू एम ए था तो एफ की जगह पे हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हो ये एफ का वैल्यू एम ए जो दिख रहा है इसको ला के यहाँ पुट कर दो आप कोई भी काम कर सकते हो इसका वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दो या फिर इसका वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दो ठीक है जैसे शिफ्ट करोगे आप तो क्या हो जाएगा देखो आगे Ma Kx, Ma Kx. मतलब मैंने क्या किया पता चला ऐसा कुछ किया मैंने ठीक है तो ऐसा मैंने जब किया तो क्या हो गया Kx दिख रहा है अब यहाँ पर ए क्या बेटा ए? ए क्या है ए आपका एक्सेलरेशन है ठीक है अब एक्सेलरेशन का जो डबल डेरिवेटिव होता है ठीक है एक्सेलेशन का जो एक्सेन क्या होता है तीसरे नंबर पे आता ठीक है थीके? एक्सेलरेशन को मुझे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में चाहिए एक्सेलरेशन को हमें डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में चाहिए ठीक है तो एक्सेलरेशन के ऊपर रहता है वेलोसिटी वेलोसिटी और velocity के ऊपर रहता है डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो जब हम इसको एक्सेलरेट करेंगे ए को तो सबसे पहले वेलोसिटी आएगा वेलोसिटी वेलोसिटी अपॉन टाइम आएगा ठीक है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा और जब वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा पता है लेना पड़ेगा ठीक है तो मेरे को क्या आएगा डी एक्स आएगा ठीक है अपॉन डी आएगा लेकिन इसको मैं एक बार इसका एक बार डेरिवेटिव लिया तो यह आया फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लूंगा तो आपको ऐसा आ जाएगा इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा पता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर करना पड़ता है नॉट तो इस तरह समझ लो कि सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट फिर आता है वेलोसिटी फिर आता है एक्सल्रेशन ठीक है तो अगर आपको इसका मुलाकात इससे कराना है तो इसको इधर जाने के लिए डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर के फॉर्म में जाना पड़ेगा ठीक है इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव क्या कहते हैं डबल डेरिवेटिव इसका मुलाकात डिस्प्लेसमेंट से कराना बीच में क्या आता वेलोसिटी आता है ना तो पहला डेरीवेटिव करना पड़ेगा सेकंड से डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो इसको डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर अपन डी टी स्क्त हमेशा ध्यान देना ए को अगर हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में बताना है तो आप ऐसा मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो ठीक है तो मैंने क्या किया ए को डी स्क् एक्स अपन डी टी स्क्टिव दिया ठीक है और डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव क्या होता है आपका ये होता है No. अब क्या कर दिया अब ए का जो वैल्यू मुझे मिला यहां पर यह वैल्यू यहां पर मैंने क्या किया पुट कर दिया जगह पर जब पुट कर देगा तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा देखो यहां पर मैंने का वैल्यू पर पुट कर दूंगा तो आपको काम डी अपॉन डी टी स्क्स के एक्स हो गया ठीक है अब यहां पर क्या कर सकते हैं वर्ड वी कैन डू हियर अब यहां पर देख सकते हो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर अब यहां से इसको उठा के इधर बुला लो भाई तू इधर आजा तू इधर आजा ठीक है इसको बुला लूंगा तो इधर प्लस में हो जाएगा किसमें हो जाएगा प्लस में किसमें हो जाएगा बड़ा प्लस में हो जाएगा ठीक है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के ये सुनो इक्वल टू जीरो अब आप क्या करोगे पता है व्हाट वी विल डू हियर अब क्या करोगे अब क्या करोगे अब यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं दिख रहा है इस इक्वेशन में दिख रहा होगा आपको इस इक्वेशन में ऊपर ऊपर और नीचे ठीक है किससे मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाइड में एम कर दो एम से मल्टीप्लाई मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर में मल्टीप्लाइड एम कर दो तो अगर आप ऐसा कर दोगे ठीक है तो आप देखो इस एम को ऐसा इसको पकड़ के रखो ठीक है और इस एम को और इस एम को कॉमन निकाल दो ठीक है जब कॉमन निकाल के एम को बाहर रख दो यहाँ पर के बायम आप एक एक्स ये सब बचेंगे तो एम यहाँ से जाके इधर चला जाएगा तो क्या ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि तो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके जीरो हो जाएगा ठीक है तो आपको फाइनल क्या बचेगा पता है आपको फाइनल बचेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहां पर ओमेगा स्क्वायर कैसे आयाकि तो के जो होता है के बाय के बाय जो होता है ओमेगा स्क्वायर होता है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा के का जो वैल्यू होता है एम ओमेगा स्क्वायर होता है क्या M omega square होता है बेटा एम ओमेगा स्क्वायर होता है ठीक है ये होता है आपका क्या ध्यान दो के का वैल्यू होता है जो कि क्या होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है और आपका यहां पर क्या किया उसकी जगह पर वैल्यू को पुट किया गया ठीक है तो यहाँ पर क्या कर सकते हो वोल्यू पुट कर सकते हो और ये ध्यान दीजिएगा वैल्यू ठीक है ये वैल्यू ध्यान दीजिएगा के कोल भी एम ओमेगा स्क्वायर होता है जिसको अपने तरीके से यहाँ पर क्या कर देंगे अगर हम यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा के बायम हो जाएगा यहाँ बचेगा सिर्फ ओमेगा स्क्वायर ठीक है तो K M के बायम की जगह पर ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं अंडरस्टूड और नॉट तो आपका ये वैल्यू आ गया दिस इज द एक्सप्रेशन दिस इज द एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन कैसे है एक बार देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं एक्सप्रेशन आया कैसे ठीक है एक बार मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ शॉर्टकट में ठीक है एक्सप्रेशन आया क्या सबसे पहले हमने क्या किया ध्यान ध्यान पर दो देखते कैसे क्या? सबसे पहले हमने क्या किया? हमें जो वैल्यू होता है माइनस के एक्स होता है अभी मैंने देखा, देखा, देखा था देखा था अब आप काम करो ये जो एफ का वैल्यू है यहाँ पर प्रोडक्ट कर दो क्या हो जाएगा आपका एफ एम ए हो जाएगा एक्स हो जाएगा ठीक है और आपको पता होना चाहिए एक एवल्यू क्या होता है एक एवल्यू होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है क्योंकि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के पास पहुंचना है तो एक का सेकेंडरी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो ऐसा हो जाएगा इक्वल टू माइनस के एक्स अनस्टू दिस इतना समझा बेटा इतना समझा आपको ठीक है आप क्या कर देंगे वॉट कैन आई डू हियर ठीक है आप क्या कर सकते हैं अब यहाँ पर एक काम करो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ठीक है मैं तो में बताता हूं यहां पर एम दिख रहे है? M यहाँ पर क्या? में के एक्स M. ऐसा कर दो ठीक तो है तो आपका इक्वेशन ऐसा देखेगा ठीक है अब क्या करो अब क्या हो जाएगा देरफोर देरफोर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर अच्छा ये क्या है बेटा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस के एक्स अपॉन एम इक्वल टू यहाँ पर बचेगा जीरो उधर से इधर बुला लिया इधर हो जाएगा और आपको डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर यहाँ पर के बाई एम क्या होता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो आपका इक्वेशन आ गया ध्यान दीजिएगा यहाँ पर के वाई एम क्या लिया मैंने के वाई एम जो लेता है मैंने ओमेगा स्क्वायर लिया ठीक है यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा और एक चीज ध्यान दीजिएगा एक अवली मैंने क्या लिया था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिया था तो इस इक्वेशन में दो चीजें ध्यान दीजिएगा आपका काम बन जाएगा ठीक है तो मैंने शॉर्टकट में निपटाया निपटाए फटा से पहले लिखा मुझे पता है अंकल ने बताया था ये इक्वेशन फिर हमें यह भी पता है लीनियर इक्वेशन अभी हमने देखा था ऊपर फटाफट जब फोर्स अपन अप्लाई करो यहाँ पर और फोर्स हटा दो डिस्प्लेसमेंट यहां पर होता है तो आपको ये इक्वेशन पता था इक्वेशन में पुट कर दिया ऐसा हो जाए एक वाले ले लिया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ले लिया ठीक है और इक्वल टू माइनस के एक्स और यहाँ पर एम यहाँ पर मल्टीप्लाई में था यहां पर जाकर डिवीजन में हो जाएगा फिर इसको इधर बुरा लोगे तो प्लस में हो जाएगा और उसके बाद के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर एक्स कर दो तो आपका इक्वेशन निकल गया आपका इक्वेशन क्या हो गया निकल गया ये सोन लु आपका इक्वेशन निकला कि नहीं निकला गाइस सबको समझा बेटा सबको समझा सबको समझा बेटा पक्का समझा बड़ा बताओ हो आगे बढ़े कॉपरेट करो कॉपरेट करो आई वॉन्ट कॉपरेशन बिकॉज ये बहुत बड़ा डेरीवेशन है हम फटाफट करना है ठीक है कॉपरेट करो क्योंकि फिर भी मैं आपको टाइम निकाल के एक चीज़ को दो बार रिपीट कर रहा हूँ ठीक है तो फिर कॉपरेट करो और एक चीज़ बताऊँ यहाँ लाइट चला गया है यहाँ लाइट नहीं है क्या बात कर रहे हो सर फिर हम लाइट कैसे देख रहे हैं आपको यहाँ इन्वर्टर चालू है और इन्वर्टर uh, का मुझे बिल्कुल पता नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई कोई दूसरा बंदा है ही नहीं कि इन्वर्टर में कितना बैटरी है तो अगर गलती से हमारा सेशन ऑफ हो जाए ठीक है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा लाइट यहां चला गया है इन्वर्टर पे हम लेक्चर ले रहे हैं ठीक है तो ध्यान दीजिएगा भगवान करे कि लेक्चर पूरा खत्म हो जाए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो आपको खत्म हो गया समझा कैसे आया अंडरस्टूड दिस ओके नाउ आप क्या करेंगे बेटा यहां पर देखो एक्सप्रेशन फॉर एक्सलेशन अभी मैंने आपको बताया था जो इक्वेशन आपको मिलेगा उसी इक्वेशन से आपको अगला वाला सॉल्व करना है ठीक है जो इक्वेशन आपको मिलेगा उसी से आपको अगला इक्वेशन सॉल्व करना है तो अभी मुझे क्या मिला है अभी मुझे क्या मिला है अभी मुझे मिला है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो अब मेरा पहला टारगेट है इसको लेके इसको लेके पहला जो टारगेट है मुझे क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन तो मैं कैसा निकालूंगा तो सबसे पहला एक्सेलेशन के लिए फॉर एक्सलरेशन फॉर एक्सेलरेशन ठीक है तो एक्सेलेशन निकालने के लिए बेटा हमारे पास ये इक्वेशन है वी हैव ठीक है वी हैव अभी हमने निकाला ना हमने आपको बताया है सबसे इजी ट्रिक ये है जो निक, इस इसका सबसे अच्छा अच्छा चीज यही है कि आपको अगला जो डेरिवेशन है पिछले वाले डेरिवेशन जहां खत्म होता है वहीं पर अगला डेरिवेशन क्या होता है स्टार्ट होता है ये सबसे अच्छा चीज़ है ठीक है तो अभी जहां पर हमने खत्म किया है इसको उसी से अपना अगला करना है तो एक्सलेशन के लिए क्या करेंगे आपको पता अच्छा आपको पता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये किसके जगह पे मैंने लिया था ये किसके जगह पे मैंने लिया था याद है ये किसका वैल्यू है ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है ठीक है मैंने बताया था ना तो हम इसके जगह पे क्या ले लेंगे? ए ले लेंगे लेंगे ए ए क्योंकि का वैल्यू है प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन को ऐसे पकड़ के रखो ए तू फोट इधर निकाल इधर से इधर जाके माइनस हो जाएगा ये सुनो तो इधर आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू मैंने निकाल दिया हो गया सिंपल एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं आ गया ठीक है तो एक्सोलेशन निकालने में सबसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका क्या मैंने मैंने इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया ठीक है तो इसकी क्या मैंने एक आउटपुट कर दिया दिया इसको इधर भेज तो आपको निकल गया सिंपल है कि नहीं है सिंपल ये yes सोनो no? सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है लाल फूल नीला फूल क्या लिखा बड़ा लाल फूल नीला फूल फिजिक्स के सर ब्यूटीफुल लाल फूल नीला फूल फिजिक्स के सर ब्यूटीफुल लाल फूल नीला फूल फिजिक्स के सर ब्यूटीफुल अरे पगलो ब्यूटीफुल ना बोलो यार लड़कियों के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्यूटीफुल ठीक है दिस, मैं यार लड़का यार <laughs> तो लड़का ठीक है तो बोलो अगर बोलना है कुछ ओके ओके इजी है ना बच्चों इजी है समझा कि नहीं समझा इतना अंडरस्टूड दिस और नॉट आ समझा कि नहीं समझा बताओ समझा इतना समझा ना समझा इतना अरे हाँ बोलो पगलो हो हो क्या बात है इजी ना चलो देखो हमने निकाल लिया ठीक है बधाई हो गाइस बधाई हो हमने एक्सेलेसन निकाल लिया ठीक है चलो अगला करते हैं तो एक्सेलेसन हमने निकाल दिया दे। देखो वही करके निकाला होगा देखो ना यही निकाला है ठीक है यही आंसर है ना देखो वही सब करके लिया है चलो अब हमारा अगला टारगेट क्या है हमारा अगला टारगेट है क्या निकालना वेलोसिटी निकालना क्या निकालना है वेलोसिटी वेलोसिटी हमारा टारगेट अगला क्या है Velocity. और आपको पता है जहां पर अंत हुआ है ठीक है कहां अंत हुआ था एक्वल टू माइनस ओमेगा अभी हमने जहां आपको बताया था ना जो पिछला डेरिवेशन का आंसर रहेगा वही अगले डेरिवेशन के स्टार्ट रहेगा शुरुआत रहेगा ठीक है ये मैंने आपको पहले बता के रखा था तो मैंने ये निकाला था ना अब इसी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे आगे की कहानी खत्म करेंगे ठीक है चलो आ जाओ तो मान लो हमारे पास ऐसा वैल्यू है यहाँ पर ध्यान दो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है ठीक है तो ए मतलब क्या होता है एक्सेरेसन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या एक्सलेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एक्सेलेशन ए को मैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और ए को मैं डी बी बाय डी टी भी लिख सकता हूँ दोनों चांसेस है ठीक है लेकिन अब मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना है ठीक है अब मुझे ए का ऐसा वैल्यू लिखना है क्योंकि एक्सेरेशन कब मिलेगा एक्सेलेशन कब मिलेगा जब वेलोसिटी चेंज होगा तभी किसी में एक्सलेशन आता तो है तो आप हमारे पास क्या टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था तो ए के जगह पे मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ डी बी वाई डी टी लिख लूंगा ठीक है इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कर दिया ठीक है अंडरस्टूड इतना इतना समझा क्या अरे हाँ ना बोलो यार हाँ चलो ठीक है इतना समझ में आ गया मेरी बात ठीक है अच्छा अब मैं इसको दिख रहा है इसको जो मुझे आया है एक जगह पे इसको मैं चैन फॉर्म में लिखूंगा इसके फॉर्म में लिखूंगा चैन के फॉर्म में चैन फॉर्म समझता है चैन फॉर्म मतलब होता है वही चीज रहता है लेकिन बोलने का तरीका बदल जाता है मतलब द थिंग्स इज सेम बट बोलने का एक पैटर्न अलग हो जाता है मतलब आपको यही दिखाई देगा लेकिन लिखने का तरीका अलग रहेगा उसको मैं चैन फॉर्म कहता हूं कैसे रहेगा डी वी वाई डी एक्स ठीक है इन टू dx अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मैंने क्या किया पता चला ना इसको इस तरह से लिख दिया इस तरह से इस तरह से लिख दिया अब आप बोलोगे सर कैसा क्या किया अरे भाई ये यही है सेम है सर सेम कैसा है देखो तो ना कितना कुछ लिखा आपने अरे भाई डी एक्स को डी एक्स से काट देगा तो डी बी बाई डी टी बचेगा ना वही बचेगा ना अरे भाई देख यहां मैंने लिखा है फोर और यहां मैंने लिखा है फाइव माइनस वन तो दोनों अलग है कि सेम है यहां मैंने लिखा है फोर यहां लिखा है फाइव माइनस वन तो भाई फोर और ये भी आपको कितना आएगा फोर ही आएगा ना फाइव जाएगा तो बल लिखने का तरीका अलग कर दिया है उसे कहते हैं चैन फॉर्म क्या कहते हैं बेटा चैन फॉर्म कहते हैं दस बी कॉल चैन फॉर्म ठीक है अंडरस्टूड और नॉट चलो तो मैंने क्या किया चैन फॉर्म में इसको क्या किया लिख दिया है इसको चैन फॉर्म में लिखा है ठीक है तो डीबी बाई डीएक्स को ऐसे रखो डीबी बाई डी एक्स को ऐसा रखो ठीक है और डीएक्स बाई डी टी दिख रहा है और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है वेलोसिटी होता है ठीक है तो इसके जब पे वेलोसिटी पुट कर देंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसा हो जाएगा अब आप बी डी बी को साथ में रखो और डी एक्स को ना यहाँ से यहाँ पर ले आओ ठीक है तो देखो एक्स के पास एक्स डेरी ले आओ वेरिएबल और वी के पास डी बी को ले आओ तो आपका इक्वेशन हो जाएगा बी डी बी और ये डी एक्स इधर चला जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा अंडरस्टूड इतना इतना समझा आप लोग को ठीक है कैसे आया फिर से समझाता हूँ हमारे पास ये इक्वेशन था इसको एक्सलेशन को मैंने डी वी बाई डी लिखा क्योंकि मैं लिख सकता हूं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टू टाइम क्या बिलता है आपको एक्सोलेशन देता है और इसको मैंने चैन फॉर्म में वैसा लिख सकता हूँ और चैन फॉर्म में ऐसा लिखा तो उसमें क्या पता चला डी एस बाई डी क्या होता है वेलासिटी होता है तो डी बाई था अब भी आ गया इक्वल टू तो अब क्या करो इसको साथ में रखो और इसको इधर भेज दो तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा बी डी बी इक्वल टू माइनस उमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स बनेगा ठीक है इतना समझा आप लोग को इतना समझाया होगा ठीक है आगे चलते हैं तो कहाँ पहुंचे हम लोग पता है? चला हम लोग अभी फिलहाल यहाँ पहुंचे हैं कहाँ पहुंचे हैं यहाँ पहुँच गए यहाँ पर हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं ठीक है थीके? हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं ठीक है इतना समझा अब हम क्या करेंगे पता है जब किसी के साथ डी बी लग जाता है किसी के साथ डी बी लग मतलब किसी के साथ डी लग जाता है डी जैसे कि एक्स के साथ डी एक्स लग जाए या पी के साथ पी डी पी लग जाए ऐसा लग जाए ठीक है या वी के साथ डी वी लग जाए ठीक है अगर ऐसा कुछ लग जाता है तो वहां पर अगला हमारा जो अगला जो कदम रहता है अगला स्टेप जो रहता है इंटीग्रेशन करेगा किसका रहता है बेटा इंटीग्रेशन करेता है ठीक है तो हम क्या लेंगे अब इंटीग्रेशन लेंगे क्या लेंगे इंटीग्रेशन जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है एस डी एक्स बी डी वी तो वहां पर क्या लेते हैं इंटीग्रेशन लेते हैं क्या लेते हैं इंटीग्रेशन नॉट तो हम क्या करेंगे नाउ टेक इंटीग्रेशन अब इंटीग्रेशन लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे जो कि मैंने यहाँ पर लगा दिया है ठीक है आज जब इसका इंटीग्रेशन लोगे तो इसका आंसर क्या आएगा इसको इंटीग्रेट करोगे तो वी स्क्वायर अपॉइंट टू आएगा और यहाँ पर क्या करो ओमेगा आपका कॉमन निकलेगा कॉमन बाहर कॉमा कॉमन समझो कॉन्स्टेंट बोल सकते हो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट समझ के बाहर आ जाएगा और एक्स डी एक्स अंदर बचेगा ठीक है क्योंकि जिसका वेरिएबल रहता है जैसे जिसका वेरिएबल है ना वही आपका इंटीग्रेट होगा जिसका वेरिएबल नहीं रहता वो इंटीग्रेट नहीं होता है तो ओमेगा का वेरिएबल नहीं तो ओमेगा बाहर आ जाएगा एक्स डी एस का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा उसके बाद क्या लेना आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना है क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन लगाते हो तो वहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हो तो मैंने इसके बाद क्या किया सी लिया है प्लस करके जो कि मैंने बताया इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट वेर सी इज अ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ऐसा बता सकते हो मैं आपको बताऊँ फॉर्मूला एक फॉमूला हुआ है जब भी आपको एक्स डी एक्स मतलब इस फॉर्मेट में दिखता है इस फॉर्मेट में जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा बी डी बी दिख रहा होगा यहाँ पर एक्स डी एक्स दिख रहा होगा तो मेरे साथ ध्यान दीजिएगा इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन एन एन प्लस वन होता है ये मैथ्स है मैथ्स सिंपल मैथ्स है ठीक है अब आपको पता है एन की जगह पे वन लेने का और यहाँ पे भी एन की जगह पे वन लेने का ठीक है तो क्या हो जाएगा वन वन टू एक्स द पावर टू और वन वन टू मतलब टू मतलब आपका ऐसा आ जाएगा ठीक है समझे हमेशा ध्यान दीजिएगा एक फॉर्मूला होता है और एन की जगह पे वन लेने का ठीक है तो वन वन टू हो जाएगा वन वन टू हो जाएगा तो आपको एक्स स्क्वायर अपॉन टू दिख रहा होगा आपको नहीं दिख रहा है ठीक है ऐसा हो जाता है ये मैथ्स का फॉर्मूला है अगर ऐसा दिखता है तो आप ऐसा करके ऐसा आंसर आएगा देखो तो इसका आंसर ऐसा आ गया और -DX का आंसर ऐसा आ गया और उसके साथ बाद में जब इंटीग्रेशन आपने अप्लाई कर दिया था तो आपने क्या लेने का सी लेने का सी क्या होता है एक है कौन सा कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है क्या है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट समझा इतनी बात दिस बॉर्ड क्लियर बेटा इतना समझा ठीक है स्टडी बेटा देख यहां पर वनली स्टडी कौन है बेटा यहाँ पर मुजरा करने आया नहीं हूँ ठीक है चैप्टर बहुत बड़ा है ठीक है मुजरा करो तेरे लिए को तो लगेगा बहुत एनर्जी डाउन है ठीक है तो एनर्जी से जाकर मुजरा का दुकान पे जाओ वहां तो बहुत अच्छा एनर्जी मिलेगा तो ऐसे बच्चे थोड़ा सा दूर रहो जिनको मुजरा देखना है जाके वहां पर खाला बेबी के घर पे जाओ, वहाँ पर जाओ वहां पर मुजरा देखना है इसे ठीक है यहाँ पर हम लेक्चर अटेंड करने आए यहां में आराम से पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है चलो अगला बेटा इतना समझ में आया बेटा जिसको मुजरा पसंद है बेटा जाके मुजरा देखो लेक्चर आपके बस की बात नहीं है जिस लेक्चर मुझे ले। क्योंकि लेक्चर में अगर मैं ज्यादा एनर्जेटिक रहूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि जब ज्यादा एनर्जेटिक रहता है तो कुछ चीजें आपको समझनाने में गलती हो जाती है या फिर उसको फटाफट चक्कर में भूल जाते हैं ठीक है ठीके? तो यहां पर हमारा टारगेट क्या है ये क्योंकि पूरा डेरीवेशन चैप्टर है पूरा डेरीवेशन है ठीक है तो उसको एकदम स्मूथली लेना है बढ़िया से लेना है तो बढ़िया से लगा के बढ़िया से तो उसके लिए थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो आवाज़ नहीं जा रहा है ना एक सेकेंड नलो हेलो एकदम हेलो हेलो वॉइस क्लियर क्लियर है ना ओके आयुष चौहान गलत बात गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो ऐसे क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं देता हूं चलो <laughs> कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं चलो बकलोलगिरी नहीं है कुछ भी क्वेश्चन मत करो पढ़ाई का कुछ भी पूछो थारा भाई सब जवाब देगा पर्सनल चीजें नहीं पर्सनल को पर्सनल रहने दो ठीक है आ जाओ वेरी गुड वेरी गुड चलो अच्छी बात है वेरी गुड बच्चों। अच्छा सबको दिख रहा है ना बच्चों ये सब ऑल आर क्लियर ना गाइस एक सेकेंड ना चलो सबको दिख रहा होगा चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अब यहां पर क्या करो हम कहां पर थे पता है हम थे यहां पर यहां पर यहां पर हमने क्लियर कर दिया ठीक है अब हम क्या करेंगे पता है जब मान लो मान लो जूम करो यह कोई पाथ है इस पाथ में हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है ठीक है यह हमारा मेन पॉइंट है यह हमारा मेन पॉइंट है हमारा अंडा यहां पर है हमारा अंडे यहां पर है अब अंडा मान लो कहां पर है यहां से यहां पर गया यह आपका एक्सट्रीम पॉइंट है क्या पॉइंट है एक्सट्रीम पॉइंट यहां पर पहुंच गया यहां से यहां पर आ गया अंडिया यहां पर यहां आ गया ठीक है तो इसने यहां से यहां का क्या गया डिस्प्लेसमेंट किया और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है वही आपका एम्पलीट्यूड होता है ठीक है तो मान लो आंडिया आपका यहाँ पर पॉइंट पे नहीं है कहां पर एक्सट्रीम पॉइंट पर है तो एक्सट्रीम पॉइंट पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा ए रहेगा और मेन पॉइंट पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा जीरो रहेगा लेकिन से यहाँ आ गया ना तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट तय किया अच्छा डिस्प्लेसमेंट रहेगा बेटा तो उसका क्या रहेगा एम्पलीट्यूड रहेगा क्या रहेगा एम्पलीट्यूड रहेगा ठीक है तो आप ध्यान दीजिएगा एक्स इक्वल टू हम क्या लेंगे ए ले लेंगे ठीक है एक बोल के एट एक्सट्रीम पॉइंट अज्यूम करेंगे एक्स क्या रहता है ए रहता है अच्छा मुझे बताओ यहां यहां से पर आके क्या हो गया स्टॉप हो गया मतलब इसके आगे नहीं जा रहा है जब यहां पर आके स्टॉप हो गया तो वेलोसिटी यहां पर क्या रहेगा जीरो रहेगा वेलोसिटी इसका कहां पर रहेगा बिटवीन रहेगा लेकिन इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर जीरो रहेगा क्योंकि यहां पर भी स्टॉप है और यहां पर भी स्टॉप है तो चल कहां रहता है यह बीच में चल रहा था यहां क्या यहां पर आके स्टॉप हो गया ठीक है तो एक्सट्रीम पॉइंट एक्स्ट्रीम वेलोसिटी आपका जीरो रहता है लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट रहता है मैक्सिमम रहता है जो कि आपके एक एम्पीट्यूड रहता है ठीक है तो हम एजूम करते हैं कि अगर पार्टिकल हमारा एक्सट्रीम पॉइंट पर है तो एक्स आपका ए रहेगा वेलोसिटी आपका जीरो रहेगा ठीक है तो हम इसी चीज को अजूम करके आपका जो इक्वेशन दिख रहा है वाला इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करते हैं ठीक है एक्स का वैल्यू आप ए ले लेना और वेलोसिटी का वैल्यू आप जीरो ले लेना जब ऐसा करोगे और फिलहाल इसको भर दो इक्वेशन नंबर वन ऐसे जब पुट करोगे तो आपको जब यहां वेलोसिटी का वैल्यू जीरो पुट करो तो जीरो आ जाएगा क्योंकि किस जीरो को अगर आप डिवाइड करो किसी से तो हो जाएगा, और से, से? से तो मेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉइन टू हो जाएगा अपॉन सी का वैल्यू आ गया किसका वैल्यू आ गया सी का वैल्यू सर हमने ये सब किया किसके लिए सी का वैल्यू निकालने के लिए किया किसके लिए किया सी का वैल्यू निकालने के लिए गया ठीक है अब सी का वैल्यू जब आपके पास आ चुका है अब सी का वैल्यू क्या करोगे उठा के कर दो. किस में करो इक्वेशन वन इक्वेशन वन पर था आपका इक्वेशन वन यहां पर था इसी को सॉल्व करके आपने दूसरा इक्वेशन बनाया फिर दूसरे इक्वेशन का जो तो वैल्यू आया है फिर से इसी इक्वेशन में आप C की जगह पर क्या कर कर रहे रहे हो हो पुट ठीक है जिसको पुट करोगे तो आपका इक्वेशन ऐसा कुछ मिलेगा कैसे बी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस यहाँ पर आपका सी हुआ करता था अब वहां पर सी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा अब यहां पर देख लोगे यहां पर टू यहां पर टू सब पेंसिल हो जाएंगे सब पेंसिल हो जाएगा तो बी स्क् टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया अब यहां पर क्या करो माइनस वाले को पीछे कर दो और इसको आगे कर दो ऐसा करोगे तो आपका टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा नहीं एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा ठीक है यहां पर एक्स स्क्वायर रहेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ठीक है अब इसको कैसे लिख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा को बाहर ले लो क्योंकि कॉमन में इधर भी ओमेगा विधर अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओके मुझे बी स्क्वायर ले चाहिए मुझे सिर्फ बी चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट कर लो लोक स्क्वायर रूट कर लो तो क्या हो जाएगा ये आपका ओमेगा हो जाएगा और ये अंडर रूट में हो जाएंगे सबके सब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे ठीक है तो आपका आंसर ए भी लिख सकते हो और या फिर अगर आपको प्यार आ जाए तो उसको प्लस माइनस यहाँ बता सकते हो ठीक है तो क्योंकि आपका जरूरी नहीं है प्लस माइनस फिर डायरेक्शन बताएगा कि वेलोसिटी आपका इस वाला साइड में जा रहा था किस साइड जा रहा था मतलब देखो ना ऐसा था ना आपका मेन पॉइंट यहाँ पर था यहाँ पर जाओगे तो आप पॉजिटिव में रहोगे इधर जाओगे तो आप नेगेटिव में रहोगे तो डाय इधर भी जा सकता है इधर तो क्योंकि आपका मेन पॉइंट था और एक्सट्रीम पॉइंट है और ये भी आपका एक्सट्रीम पॉइंट है ठीक है इधर जाओगे तो नेगेटिव यहाँ जाओगे तो पॉजिटिव तो डिपेंड करता हूँ किस किधर गया होगा तो कहीं भी जा सकता है इसके लिए हम पर क्या लेंगे प्लस माइनस दिखा सकते हैं ठीक है जो बताएगा साइड डायरेक्शन इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है तो अगर आप नहीं भी दिखाओगे तो आप यहां छोड़ दो तो भी आपका आंसर राइट रहेगा या अगर आप प्लस माइनस दिखा दोगे तो तो भी आपका आंसर राइट रहेगा तो इस तरीके से मैंने क्या बड़ा? इस तरीके से मैंने वेलोसिटी भी निकाले दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ठीक है तो हमने क्या किया डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला फिर एक्सलेशन निकाला फिर वेलोसिटी निकाला अब हम क्या निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे क्या निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट ठीक है चलो क्या लिखा है क्या वन शॉट नाइन्टी फाइव लाने के लिए हेल्पफुल है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं वन शॉट नाइन्टी फाइव लाने के लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। हेल्पफुल कब है अगर आप सिर्फ अगर सिर्फ आप वन शॉट के भरोसे पढ़ाई कर रहे हो तो नाइन्टी फाइव मैं नहीं बोलूँ बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है आप सिर्फ वन शॉट अटेंड करके नाइन्टी फाइव नहीं ला सकते नाइन्टी फाइव अगर आप ड्रीम कर रहे हो तो आपको ओल्ड वीडियो रेगुलर वीडियो देखना पड़ेगा बिकॉज हम दो घंटे में ढाई घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर रहे हैं ठीक है जो दस घंटे का चैप्टर होता है नॉर्मली उसको हम दो ढाई घंटे में खत्म कर रहे हैं तो कुछ एडिट करते हैं हम समझा कि नहीं समझा तो वो चीजें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बेटा ठीक है आप वन वार्ड को रेगुलर लेके नहीं चल सकते वन वार्ड को आप पास होने के लिए जिसको मानो जिस पास होना है फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट लाना है उसके लिए ठीक है और जो ऑलरेडी पढ़ाई कर चुका है रेगुलर स्टडीज करता है उसका ओल्ड देख के रखे हुए हैं अगर वो वन शॉर्ट का इस्तेमाल करता है बेटा तो वो 95 फाइव एंड अबो जा सकता है 95 नहीं, अबो 95 ठीक है ओल्ड वीडियो मतलब सिक्सटी परसेंट प्लस फोर्टी परसेंट आपका वन शॉट इक्वल टू हंड्रेड परसेंट ऐसा मान के चलो ठीक है समझे मेरी बात इस तरह से आप करिए बेटा अगर आप से वन के भरोसे तो से पास हो हो। सकते अगर आपने कुछ भी आज तक पढ़ाई नहीं किया है और अगर आपने वन के पढ़ना चालू किया है तो आप पास हो जाओगे नो no डाउट पास क्या अच्छे नंबर लाओगे नंबर लाओगे लेकिन अगर आप ड्रीम तो करके नाइनटी फाइव परसेंट तो ये अठारह सजेशन नहीं देगा ऐसा ऐसा नहीं मुमकिन नहीं मुमकिन कब है जब आप ओल्ड के साथ साथ वन वार्ड को दोनों फॉलो कर रहे हो देन ओनली इज पॉसिबल ठीक है क्योंकि जो मैं बताऊंगा सच बताना चाहूँ मैं अपने बच्चों के साथ झूठ ऐसा नहीं बोलूंगा ताकि कल को उनको लगे कि सर ने ऐसा सजेशन दिया था ऐसा सजेशन मैं बिल्कुल नहीं दूँगी जिसके लिए आपको आगे चल के नुकसान होगा ठीक है तो आपको वही करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको नाइन्टी फाइव का सपना है बेटा तो प्लीज़ ओल्ड वीडियोज़ इस चैनल पर ऑलरेडी हर चैप्टर के अपलोड है उसको देखिए और उसके बाद वन वार्ड से उसका फटाक से रिविजन लीजिए ठीक है क्योंकि तो कुछ चीज़ें ओल्ड वीडियोस में हार्ड स्टेम में बताया होगा लेकिन थारा भाई ने उसको ईजी स्टेम में बताया होगा तो आपको फटाक से हेल्प करेगा उसको समझने के लिए और वन शॉर्ट जो होता है फटाक से चैप्टर का रिवीजन करने के पर्पज से बनाया जाता है ठीक है तो आज भी मेरी बात समझ में आ गई होगी और बहुत जल्दी मैं आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट बताऊंगा टेंशन लग लो बहुत बच्चे मैसेज करते हैं कि सर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है सब बताऊंगा टेंशन तो धीरे धीरे सब करेंगे चलो

डिस्प्लेसमेंट निकालना क्या डिस्प्लेसमेंट अगर मैं, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था जो पिछला डेरिवेशन का वैल्यू आएगा वही अगले में क्या करना इस्तेमाल करना वही अगले में आपको क्या करना इस्तेमाल करना ठीक है तो अभी मैंने डिराइव क्या किया था वेलोसिटी अगर आपको निकालना क्या है डिस्प्लेसमेंट आपको पता है वेलोसिटी को वेलोसिटी को अगर हम लोग क्या करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका आगे चल के आ जाएगा ये नक्की है ठीक है तो मैंने वेलोसिटी की हेल्प लेके आगे कहानी आगे, आगे कहानी में बताने जा रहा हूं ठीक है तो हमारे पास ये इक्वेशन है हमारा टारगेट है डिस्प्लेसमेंट निकालना ठीक है जैसे हमने वेलोसिटी ऊपर निकाला है अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं भाई ठीक है तो हमारे पास ये इक्वेशन है v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो आपको पता है वेलोसिटी कम मिलता है जब आप डिस्प्लेसमेंट को चेंज करते हो ठीक है तो इसकी जगह ऐसा लिख दिया ठीक है इक्वल टू ओमेगा अंडर रुट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब आप करो क्या पता है जो एक्स इसके जगह पर एक्स दिख रहा है डी एक्स तो यहाँ पर भी आपको एक्स दिख रहा होगा तो इसको इसके साथ ले आओ और डी को ओमेगा के पास ले आओ मतलब होता है इंटरचेंज ऐसा कर दो ऐसा कर दो ठीक है तो भाई इसकी धोती इसके संग इसका इसका इसके संग ठीक है तो इसका पैजामा इसके संग कर दो चलो कर लेते हैं एक्सचेंज कर लेते हैं जैसा करोगे तो डी एक्स का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ओमेगा डी हो जाएगा अब इसका हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे क्या करेंगे इंटीग्रेशन अगर समझ लो मैथ के हिसाब से यहाँ पर मैथ का इस्तेमाल किया डेरी में पूरा मतलब डेरिवेटिव पूरा मैथ्स होता है ठीक है तो यहाँ पर मैथ्स का इस्तेमाल किया बच्चों यहाँ पर देखो अगर ऐसा दिखाई देता है ऐसा ध्यान दो कतई हमेशा ध्यान देना अगर ऐसा दिखाई देता है कोई डी एक्स है अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसका आंसर हमेशा साइन इनवर्स में रहता है साइन इनवर्स एस बाई ए रहता है क्या रहता है एक्स ये क्या एक टाइप का लॉ है लॉ ऑफ डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो पढ़ोगे लॉ ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे ठीक है तो इसमें कुछ आपके यहां पर ऐसा दिखाई देंगे शायद बहुत लोग जानते भी होंगे ये मैस का फॉर्मूला अगर ऐसा दिखता है तो आंख बंद करके उसको इनवर्स ऑफ साइनिवर्स अपॉन ए लिखा जाता है ठीक है तो उसको आपको करना है तो इसका अगर दिखता है मैंने आपको बताया था ना अगर आपको एक्स डी एक्स दिखता है तो उसका आंसर क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू होता है तो वैसे अगर आपको ये दिखता है तो उसका आंसर आपका हमेशा ये होता है ये ध्यान दीजिए आप कहीं लिख के ले लीजिए ठीक है ये आपके काम का चीज रहेगा ठीक है अच्छा यहां पर देखो ओमेगा देखो हमेशा क्या होता है हमेशा ऐसा रहता है एस डी एक्स रहता है या वी डी बी रहता है लेकिन यहाँ पर ओमेगा डी टी सब अलग अलग है ठीक है यहाँ कुछ अलग है यार यहाँ पर तो टी टी होना चाहिए ना लेकिन टी है ही नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे जब ऐसा कंडीशन हो जाता है हम लो यहाँ पर ऐसा होता टी डी टी ऐसा होता है एक्स डी एक्स होता ना ऐसा होता तो हम लोग क्या लिखते हैं ऐसा नहीं तो ना टी स्क्वायर अपॉन स्क्टू लिखते हैं लेकिन ऐसा कुछ है यहाँ पर सिर्फ डी टी है सिर्फ जैसे डी टी रहे और उसका कोई नेक्स्ट वेरिएबल ना हो तो उसको हमेशा डी टी में टी आ जाता है मतलब तो आपका जो टी रहता है वो बड़ा हो जाता है तो टी आ जाता है ठीक है हमेशा ध्यान दीजिएगा तो अगर ओमेगा तो ऐसा ओमेगा आपका कॉन्स्टेंट रहेगा ओमेगा तो रहेगा ही लेकिन डी टी के साथ टी तो है ही नहीं तो उसमें से टी ले आने का ठीक है ऐसा हो जाता है मैथ का रूल है तो ऐसा कर दो उसके बाद क्या करो एडिशनल आप यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट ले लो क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लिया जाता है तो मैंने यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या लिया अल्फा लिया है अब आप सोचो सर अभी ऊपर तो आपने सी लिया था सी हाँ, लिया था तो उसके लिए लिया था किसके लिए वेलोसिटी के लिए फिर से सी ले सकते हो कोई गलती सी लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है तो आप कुछ अल्फा ले सकते हो अल्फा से दूसरा वाले वैल्यू को दिखाने के लिए ठीक है तो अल्फा यहाँ पर क्या है इंटीगेशन कॉन्स्टेंट है इंटीगेशन कॉन्स्टेंट है ठीक है तो आपका क्या हो गया पता है आपका आंसर आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए इक्वल टू ओमेगा प्लस अल्फा ठीक है ऐसा हो गया अब यहां पर क्या करो पता है एक्स को पकड़ के रखो क्योंकि एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना था तो ये साइंस घर चला जाएगा साइंस घर जाएगा एक्स पवन ए बचेगा और साइन यहाँ पर इनवर्स हट जाएगा जब यहां से हट जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा साइन ओमेगा प्लस अल्फा बचेगा अब यहां से क्या करो ए को भेज दो यहां पर तो जब यहाँ भेजोगे तो आपका एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा प्लस अल्फा हो जाएगा यही आपका इक्वेशन है यही आपका इक्वेशन है किसका डिस्प्लेसमेंट का ठीक है तो इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखो निकाल लिया एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा प्लस अल्फाशोर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर

एनर्जी ने जब कोई सिंपल मोशन होता है जैसे कि कोई ऑसलेसन मोशन होता है हार्मोनिक मोशन होता है हार्मोनी समझते हो एक ही पात पे बार बार वैसे हार्मोनिक कहते हैं ठीक है थीके? जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ठीक है तो वहां पर क्या क्या, -क्या एनर्जी एक्ट करता है एनर्जी क्या क्या एक्ट करता है तो वहां पर हमेशा ध्यान देना कभी किसी बॉडी पर कोई एनर्जी एक्ट करे ना करे लेकिन दो एनर्जी सदाबहार है हमेशा बॉडी पर आते हैं एक होता है काइनेटिक एनर्जी एक होता है पोटेंशियल एनर्जी ठीक है और इन दोनों को मिला लो तो टोटल एनर्जी बन जाता है इन दोनों को मिला लो तो टोटल एनर्जी बन जाता है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा अब एनर्जी एस एच एम निकालना है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे क्या निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे किसमें एस एच एम है जो आपका मोशन हो रहा है सिंपल हार्मोनिक जो आपका कोई बॉडी ऑसिलेशन कर रहा है कोई बॉडी ऑसिलेशन कर रहा है तो वो बॉडी में एनर्जी कितना हो सकता है अगर आपको एनर्जी फाइंड करना है तो आपको इस फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा ठीक है तो मैंने क्या किया है कानेटिक एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या किया है बेटा एनर्जी निकालने के लिए हमने लिखा है वी नो दैट सबको पता है कानेटिक एनर्जी का पुराना फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है कानेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम पी स्क्वायर बचपन का फॉर्मूला ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर आपको बी दिख रहा होगा बी दिख रहा होगा ना तो बी मतलब वेलोसिटी वेलोसिटी और velocity का इक्वेशन अभी अभी हमने निकाला था क्या निकाला था वेलोसिटी का इक्वेशन टू ओमेगा अंडर रूट स्क्वायर माइनस एक्स वेलोसिटी का स्क्वायर है तो अगर इसका स्क्वायर ले लेंगे मैं तो क्या हो जाएगा बेलॉसिटी स्क्वायर इक्वल टू तो ओमेगा स्क्वायर और क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो अगर मुझे वेलोसिटी का स्क्वायर फॉर्म रखना है तो मैं इसका वैल्यू यहाँ पर यह रख दूंगा तो बी की जगह पर मैंने वैल्यू रख दिया अंडरस्टूड स्टूडो नॉट तो देखो बी की जगह पे ओमेगा ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर को क्या कर दिया पुट कर दिया ठीक है इतना समझा आप लोग को तो आपको क्या आ गया अच्छा आपको पता है यहाँ पर इतना आ गया अब आपको ये भी पता है एम ओमेगा स्क्वायर क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर ऊपर बताया था ये क्या होता है के होता है ठीक है अब एम अपॉन के था ना एम अपॉन के था तो आपने क्या लिया था ओमेगा स्क्वायर लिया था तो यहाँ पर एम तो पहले था और जब वेलोसिटी का वैल्यू पुट किया तो ओमेगा स्क्वायर बीच में आ गया तो एम ओमेगा स्क्वायर दिख गया मुझे और एम ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ ले सकता हूं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ठीक है जो कि मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके बारे में तो एम ओमेगा स्क्वायर पर रख दो और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी इसको रखे रहो तो ये आपका क्या हो गया आपका कानेडिक एनर्जी का इक्वेशन हो गया क्या हो गया काइनेडिक एनर्जी का इक्वेशन जहां हमने बताया भी के का वैल्यू आपको एम ओमेगा स्क्वायर लेना ठीक है अब इसको चाहिए यहाँ पे स्टॉप कर दो इसको चाहिए तो यहाँ पे स्टॉप कर दो काइनेटिक एनर्जी आपका निकल चुका है ठीक है लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि कोई बॉडी अपने मेन पॉइंट से चल चुका है ठीक है कोई बॉडी अपने मेन पॉइंट से चल चुका है एक्सट्रीम पर जा चुका है या फिर कोई बॉडी मेन पॉइंट पर ही है तो मेन पॉइंट पर रहेगा तो उसका एनर्जी कितना हो सकता है वो बॉडी मेन से एक्सट्रीम पर चला गया तो उसका काइनटिक एनर्जी कितना हो सकता है अगर आपको वो चेक करना है तो वो भी चेक कर सकते हो भी मैं दिखा सकता हूं देखो देखो यहां पर अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी आपको मेन पॉइंट पर चेक करना तो मेन पॉइंट समझते हो मान लो ऐसा कोई पाथ है तो ये आपका मेन पॉइंट है मेन पॉइंट यहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा है क्या है खड़ा है अभी इसने ना यहाँ इसने देखो एक्सट्रीम पॉइंट है एक्सट्रीम पॉइंट एक ये भी आपका एक्सट्रीम पॉइंट है ठीक है ये ये भी बीच में ही है जब बीच में है तो उसमें कोई मोशन कर नहीं रहा है तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है और जब खड़ा हुआ है तो उसका वेलोसिटी भी जीरो ही है तो मेन पॉइंट पे दोनों जीरो रहते हैं ठीक है थिके? तो अगर मेन पॉइंट पे लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो लेना है वेलोसिटी जीरो लेना है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर इस इस तो को। यहाँ पर वेलोसिटी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा हाँ, है लेकिन हाँ डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है ठीक है डिस्प्लेसमेंट आपको क्या लेना है जीरो लेना है ठीक है तो क्योंकि यहाँ पर एक्स का जीरो अगर तो पुट करोगे तो आपका इक्वेशन क्या आएगा आपका हाफ के ए स्क्वायर आ जाएगा या फिर अगर आपको चाहिए तो के का वैल्यू क्या रख दो एम ओमेगा स्क्वायर रख सकते हो क्योंकि तो आपको पता है के का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर होता है तो आलसू करके जगह पर एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी कर सकते हो कैसे आ पता चला क्योंकि आपने यहाँ पर अगर एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे तो ए स्क्वायर मैंने जीरो मतलब आपको के ए स्क्वायर है मतलब यही आएगा ठीक है समझा इतना मेरी बात अब आपको क्या चेक करना है अगर आप चेक करना चाहते हो कि आप कहाँ पर हो एक्सट्रीम पॉइंट हो. मतलब आप यहाँ नहीं हो आप यहां से चल के यहाँ पर आ चुके हो जब आप यहां चल के आ चुके हो और यहाँ पर आके खड़े हो गए खड़े समझते हो आप स्टॉप हो चुके हो जब स्टॉप हो जाओगे तो आपका यहाँ वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करो ना तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा मतलब एम्पलीट्यूड के इक्वल रहेगा तो एक्सट्रीम पॉइंट पे आपका डिस्प्लेसमेंट ए रहता है और वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगा क्योंकि तो वहाँ पर जाके स्टॉप हो चुके हो आप ठीक है तो फिर से ये वैल्यू को ये वाला फॉर्मूला पुट करो ठीक है जब आप पुट करोगे तो एक्स का वैल्यू क्या ले लोगे लो तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा जीरो से जो टकराएगा हाँ जो जीरो से टकराएगा आगे चल के जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू आपका जीरो क्या हो जाएगा एक्स था ना यहाँ पर यहाँ पर क्या था यहाँ पर पहले एक्स था एक्स का आपने क्या लिया एक्सक्वायर को आपने ए स्क्वायर ले लिया

ऑसिलेशन uh, मोशन कर रहा होता है या फिर ऐसे या फिर ऐसे तो उसमें कितना पोटेंशियल है अगर आपको पोटेंशियल चेक, चेक करना है उसका पोटेंशियल एनर्जी चेक करना है ठीक है तो कैसे चेक करोगे तो आपको पता है वी नो दैट आपको वर्क वर्क का फॉर्मूला पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है यह फॉर्मूला पता है लेकिन मान लो वर्क का फॉर्मूला ये होता है ना वर्क का फॉर्मूला भाई यही होता है ना जैसे मान लो ये मार्कर है अब प्रशांत सर ने बोला है सर इसको यहां से वहां रख दो तो मतलब सर ने मुझे क्या दिया है वर्क दिया है तो अपने आप होगा क्या अपने आप होगा क्या वर्क हे जाना हे जाना अपने आप जा रहे हैं क्या नहीं जा रहा है तो अपने आप तो जाता नहीं है तो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा और वर्क करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फोर्स अप्लाई करना फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेस कर दूंगा और वहां पर मैं रख दूंगा तो मेरा काम हो गया तो वर्क के लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लगते हैं तो वर्क इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है ठीक है लेकिन मान लो मुझे छोटा काम करना है जब छोटा काम करना रहेगा तो डी लगा दो डी क्या लगा दो डी जब छोटा वर्क करो तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या रहेगा छोटा ही करना रहेगा ठीक है थीके? मुझे बस बगल में रखना था मतलब छोटा फोर्स लगा के छोटा छोटा वर्क करना था मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको बगल में रखना था तो ऐसा कर देने का मतलब छोटा वर्क डन है ठीक है अच्छा यहां पर कभी कभी क्या होता है वर्क डन अपोजिट होता है वर्क डन क्या होता है अपोजिट आपने ऐसा वर्क किया है और उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इधर आता है जैसे स्प्रिंग का देख लो स्प्रिंग स्प्रिंग में आपने वर्क कैसे किया था ऐसा किया था फोर्स आपने इधर दिया था फोर्स आपने इधर दिया था लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर आ रहा था इधर आ रहा था ठीक है फोर्स आपने इधर दिया लेकिन फोर्स छोड़ते डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आ रहा था तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होता है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया क्या लगा दिया माइनस लगा दिया ठीक है तो ऐसा कर दिया तो डी डब्लू इक्वल टू क्या हो है बेटा ये माइनस एफ है और येफ का वैल्यू आपको पता है एफ का वैल्यू माइनस के एक्स होता है ऊपर मैंने पढ़ाया था ऊपर पढ़ाया था अभी अभी मैंने पढ़ा था स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऊपर सबसे पहले एफ काब्ल्यू आपने यहां पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ये माइनस एफ काब्ल्यू माइनस के एक्स एक्स समझा तो ऐसा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये एक्स एक्स हो जाएगा के एक्स एक्स हो जाएगा ठीक है और ये क्या हो जाएगा बेटा वट विल है यहां पर आपका डी डब्ल्यू रहेगा अब यहां पर देख रहे हो यहां पर एक्स डी एक्स आ गया एक्स डी एक्स ठीक है अब एक्सडी एक्स आ गया तो आपको क्या लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन जब भी आपका वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल आ जाता है एक्सडीएक्स ऐसा कुछ आ जाता है समझ तो लेना कि अब आपको इंटीग्रेशन लेना है ठीक है तो इंटीग्रेशन जब लोगे तो छोटा वैल्यू क्या हो जाता है बड़ा हमेशा ध्यान देना इंटीग्रेशन कब लेते हैं कि छोटे वैल्यू को बड़ा करना रहता है ठीक है तो हमारा कैसा था स्मॉल था ना इसको बड़ा करना है जिसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वर्क क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा ठीक है अब यहाँ इंटीग्रेशन करूंगा तो देखो जिसका वेरिएबल रहेगा सिर्फ उसके साथ इंटीग्रेशन होगा जिसका वेरिएबल नहीं रहता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है तो के का वेरिएबल नहीं तो के को बाहर रखूंगा और इंटीग्रेशन करूंगा एक्स डी एक्स का इसका एक्स डी एक्स का ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओमेगा सॉरी ओमेगा बोल रहा हूँ वर्क वर्क इक्वल टू के आपका बाहर रहेगा और इसका आपको हमने बताया था अगर आपको एक्स डी एक्स दिखता है उसका आंसर क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू एफ फार्मूला के हिसाब से ठीक है तो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन

यह आपका जनरल फॉर्मूला कैसा है जनरल फॉर्मूला अब इस फॉर्मुले को आप क्या कर सकते हो अलग अलग केस पे कर सकते हो केस वन केस वन क्या समझो एट मेन पॉइंट पर कर सकते हो मेन पॉइंट पर ठीक है मेन पॉइंट पर और केस टू चेक कर सकते हो आप एक्सट्रीम पॉइंट पर ठीक है और अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगा ठीक है ध्यान दीजिएगा मेन पॉइंट पर एक्स का वैल्यू जो होता है जीरो होता है और वेलोसिटी भी जीरो रहता है कहां पर मीन पॉइंट पर कहां पे मीन पॉइंट पर लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा एक्स हमारे साथ मैक्सिमम हो जाता है और वहां पे वेलोसिटी फिर से जाके स्टॉप हो जाता है ठीक तो है तो ये रहता है एक्सट्रीम पॉइंट पर अगर ये आपको क्लियर है तो आप इस इस चीज़ को यहां पर यहां पर फॉलो करके आप एक्सट्रीम और मिनिमम क्या कर सकते हो निकाल सकते हो ठीक है अंडरस्टूड अट तो यही मैंने यहां पर किया है इसको आप आगे चल के कर सकते होम तो, एम ओमेगा स्क्वायर किसके कि यहाँ पर आए तो के का वैल्यू लिया एम ओमेगा स्क्वायर क्योंकि के का वैल्यू आपको पता है ठीक है और ध्यान दीजिएगा सर मेन पॉइंट पे आप क्यों निकालो क्योंकि मेन पॉइंट पर एक्स जो होता है मेन पॉइंट पर जो एक्स होता है एक्स वो जीरो रहता है अगर मैं मेन पॉइंट पे निकालूंगा तो आपको एक्स दिखाई दे रहा है एक्स जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मेन पॉइंट पर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है और लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पर निकालू तो एक्स क्या हो जाता है आपका ए हो जाता है तो एक्सट्रीम पॉइंट पर आपको मिल जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्स ए रख दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसा आपका वैल्यू निकल जाएगा आप ऐसा लिख सकते हो और एम ओमेगा की जगह पे के लगा सकते हो तो के स्क्वायर हो जाएगा हाफ के स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ऐसा भी हो जाएगा क्या इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि, कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है काइनेटिक एनर्जी मेन पॉइंट पर ज़्यादा रहता है एक्सट्रीम पॉइंट पर कम रहता है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो रहता है उसका उल्टा रहता है मेन पॉइंट पर कम रहता है एक्सट्रीम पॉइंट पर हाई रहता है समझा कानेटिक एंड पोटेंशियल क्या होते हैं अपोजिट वर्क करते हैं काइनेटिक मेन पॉइंट पर ज़्यादा रहता है एक्सट्रीम पॉइंट पर कम रहता है और पोटेंशियल मेन पॉइंट पे कम रहता है एक्सट्रीम पॉइंट पे हाई रहता है समझा बेटा ये चीज ध्यान दीजिएगा ठीक है चलो इस क्या निकाल दिया पोटेंशियल निकाल दिया अब मैं क्या निकालूंगा टोटल एनर्जी क्या निकालूंगा टोटल एनर्जी तो टोटल एनर्जी किससे मिलकर बनता है कनेडिक प्लस पोटेंशियल ठीक है तो हम क्या करेंगे टोटल एनर्जी निकालेंगे तो टोटल इक्वल टू क्या होता है एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो कॉनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मुला जनरल फॉर्मला डालना है वो फॉर्मला नहीं केस वाला फॉर्मला नहीं लगाना है जनरल फॉर्मूला ठीक है दोनों का जनरल फॉमुला एड कर दिया यहां पर क्या देख रहा हूं मैं हाफ हाफ के हाँ के कॉमन ले लो क्योंकि हाफ के यहां पर दिखाई दे रहा है हाफ के और हाफ के कॉमन दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर और एक्स इसको साथ में ले लो यहां पर देखो ये कैंसिल हो जाए आपको प्लस माइनस हो रहा है तो आपका लास्ट आंसर भी क्या आ रहा है हाफ के ए स्क्वायर आपका टोटल एनर्जी हो गया क्या हो गया बेटा टोटल एनर्जी हो गया दिस इज द टोटल एनर्जी ठीक है तो टोटल एनर्जी भी आपने निकाल दिया बस करना क्या था यार काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला प्लस पोटेंशियल जनरल फॉर्म में जो आपको मिला था वही पुट करना था सिंपली कैलकुलेट करना था आपको आंसर आ चुका है ये सुनो अनुस्टूड नॉट चलो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ पार्टिकल ठीक है अब आपको जो ऊपर हमने निकाला है किसका काइनेटिक का पोटेंशियल का उसका हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाना है ठीक है तो सिंपल है इसको आप याद कर लीजिए बहुत सिंपल है सबसे पहले क्या करना है ऐसे एक ऐसा बीच में एक्सिस बनाना है जो आपका मिड पॉइंट शो करेगा क्या शो करेगा मिड पॉइंट ये आपका मिड पॉइंट है ठीक है

निकल गया आपका हाँ तो कनेडी जी यहां पर आपका दो कैनेडी एनर्जी जो रहता है यहां पर यहां पर जीरो रहता है लेकिन यहां पर जो रहता है आपका एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम रहता है ए रहता रहता है 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 मैक्सिमम ठीक मैक्स कौन कैनेडिक एनर्जी ठीक है और यहां पर आके फिर से क्या हो जाता है मेन पॉइंट पे एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो हो जाता है ठीक है ये रही बात कैनेडिक एनर्जी की लेकिन बात करें पोटेंशियल एनर्जी का ठीक है तो ये यहां पर हाई रहता है पोटेंशियल एनर्जी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है यहां पर हाई रहता है यहां पर ठीक है ये मतलब ऊपर का हाई वाला होता है नीचे का लो रहता है ठीक है नॉट तो यहां पर हाई रहता है और यहां पर आके हो लो हो गया एकदम लो हो गया ये लो हो गया ठीक है अब फिर से यहां पर जाके एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है हाई हो जाता है क्या हो जाता है हाई हो जाता है तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी ये वाला जो है ये वाला ये वाला पोटेंशियल एनर्जी के लिए है और ये वाला काइनेटिक एनर्जी के लिए है ठीक है ये नीचे वाला लो के लिए होता है ऊपर वाला मैक्स के लिए रहता है ठीक है अनिस्ट्रोनॉट ध्यान दीजिएगा तो यहां से काइट एनर्जी स्टार्ट हो मतलब हाई स्टार्ट होता है ठीक है ठीक है और ये मेन पॉइंट पे जब आता है आपका सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मेन पॉइंट पर हाई रहता है ध्यान सॉरी पोटेंशियल एनर्जी आपका एक्सट्रीम पॉइंट पर हाई रहता है ध्यान दीजिएगा ठीक है पोटेंशियल एनर्जी आपका एक्सट्रीम पॉइंट पर हाई रहता है फिर जब वो मेन पॉइंट पर आता है बेटा तो लो हो जाता है फिर मेन से फिर से जब एक्स्ट्रीम पॉइंट पर जाता है तो फिर से क्या हो जाता है हाई हो जाता है ये बात रहा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अब एनर्जी जो रहता है आपका यहां पर आपका लो रहता है लेकिन यहां पर जाके आपका एनर्जी क्या हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है मेन पॉइंट पर और फिर से जब एनर्जी आपका एक्सट्रीम पॉइंट पर आता है तो क्या हो जाता है लो हो जाता है ठीक है इतना ध्यान दीजिएगा ठीक है सर ये पॉइंट क्या दिखा रहे हैं जहां पर दोनों आपस में मिलते हैं यहां पर जब यहाँ दोनों मिलते हैं यहां पर दोनों का एनर्जी सेम रहता है जितना कानेडिक एनर्जी रहता है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उतना ही रहता है तो ये जो पॉइंट दिखा रहा है ये सेम दिखा रहा है कि यहाँ पर कॉनेडिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है सेम है यहाँ कानडिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है सेम है और यहाँ पर हमेशा जो वैल्यू होता है ए अपॉन अंडर रूट टू रहता है ए अपॉन अंडर रूट टू रहता है ये राइट right में रहेगा तो प्लस में रहता है और लेफ्ट में रहेगा तो माइनस में रहता है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहता है सेम रहता है डायरेक्शन थोड़ा अलग रहता है तो इस पॉइंट पे जहाँ मिलते हैं आपस में वहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है लेकिन ऊपर नीचे जाने में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है तो ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलो ये ध्यान दीजिएगा एग्जाम में आता है बनाने के लिए कितने मार्क्स के लिए टू मार्क्स के लिए कितने मार्क्स के लिए दो मार्क्स के लिए ड्रॉइंग आता है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा उसको कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा ठीक है चलो आगे करते हैं या मैं नॉन स्टॉप लेक्चर लेते जा रहा हूँ पानी नहीं पिया अब तक ठीक है थोड़ा सा एक मिनट के लिए पानी पी लेता हूँ क्योंकि गला मेरा सूख रहा क्योंकि दो घंटे से लब लल लब लब, 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 लब लब बोलते जा रहा हूँ ठीक है थोड़ा अभी आप लोग पानी पी लो और थोड़ा इसको सोचो क्या होता है फिर इसको लेते हैं ये समझा देता हूँ उसके बाद तो आपका स्टार्ट करेंगे क्या कॉम्पोजिशन कम्पोजिशन खत्म कर दूंगा तो आपका बचेगा सिंपल पेंडुलम जो कि आपका साढ़े सात बजे तक खत्म कर दूंगा ठीक है ज्यादा नहीं बचेगा क्योंकि हमने लेक्चर साढ़े पाँच बजे स्टार्ट किया ना सवा पाँच बजे थोड़ा सा लेट हुआ चैप्टर काफी बड़ा है डेरीवेशन है ना तो ऑपरेट करो ठीक कहीं जाना मत फटाफट लेंगे ठीक है तब तक इसके बारे में सोचो जरा इसके बारे में सोचो जो सोच रहा है ना अपना आंडिया सोच रहा है फेस क्या होता है आप भी सोचो तो तब तो तक तो पानी तो पी लेता हूँ ठीक है ओके गाइस मैं आ चुका हूँ पानी पी लिया बहुत जोर का प्यास आया था यार क्या पता लगातार बोलते बोलते गले में त्रास हो गया था हेलो गाइस लव यू सर प्रसाद पांडे धन्यवाद बेटा लव यू टू बेटा धन्यवाद पढ़ाई करते रहो माँ बाप का रोशन करो नाम गुरु जी बॉडी बनाने का टिप्स दो ना प्लीज लेक्चर के बाद मिलना ठीक है लेक्चर के बाद मिलना हवेली पे आ जाना कहाँ आ जाना हवेली पे आ जाना ओके ओके ठीक है बस बीस मिनट का टॉपिक बचा है बीस मिनट थोड़ा रिलैक्स हो जाओ मैं भी रिलैक्स हो जाऊं क्योंकि लगातार बोल बोल के तब ना गले में बहुत त्रास हो जाता है ठीक है आई होप कि अब थोड़ा सा मजा आएगा क्योंकि भाई फेस और बड़ा बड़ा डेरिएशन देखने यार बड़ा बड़ा डरिएशन देखने तो माइंड फ्रेश होना चाहिए लगातार बोलूंगा तो माइंड यहां वहां चला जाएगा ठीक है चलो अभी हम बड़ा डेरिएशन करने वाले हैं तो उसके थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूं वेरी गुड चलो चलो ठीक है ओके गाइस स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करें फेस ओके स्टार्ट करते हैं सैंडी आपका नाम मैंने ले लिया ठीक है चलो ओके नाउ फेस क्या होता है ये फेस क्या होता है ये फेज फेज क्या होता है यार फेज फेज क्या है ठीक है बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस फेज में है ठीक है ये फेज में चल रहा है ये फेज में चल रहा है लेकिन बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे फेज होता क्या है ठीक है चलो बता देता हूं क्या होता है इट इज अ स्टेट ऑफ ऑसिलेशन फेज हमें यह बताता है कि जो पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है वो किस पोजिशन में है यार ऐसा टीचर आपको मिलेगा तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं ओके okay, मैं आपकी नज़र से सोचता हूँ जब मैं नोट्स बनाता हूँ ना कल एक लिटरली बिलीव नहीं करूँ कल मैं दिन भर बिजी था और उससे पहले बिजी था कल मैं लेट नाइट में दो ढाई बजे तक आपका नोट्स बनाया बारह एक बारह बजे के आसपास बैठा था नोट्स बनाने के लिए सोच सोच के लिए आपके लिए नोट्स डिजाइन किया हूँ और मैं जब नोट्स बनाता हूँ आपके लिए तो मेरे दिमाग में सिर्फ आपका आप लोग का आई आता है आप लोग का इमेज आता है कि आप किस एंगल में सोचते होंगे एज अ स्टूडेंट आपको क्या चाहिए क्या क्या बताऊं कि आपको नोट्स पढ़ते ही आपको सब क्लियर हो जाए टीचर की जरूरत ही ना पड़े तो उस हिसाब से मैं नोट्स बनाने की कोशिश करता हूं और उसमें हिंदी भी लिख देता हूं ताकि वो वो कंसेप्ट आप पढ़ के तुरंत समझ जाओ तो ये मेरा कोशिश रहता है आई होप कि मेरी कोशिश को आपको रंग ला रही होगी आपको समझ में आ रहा होगा आपको मजा आ रहा होगा आप मेरे नोट्स का इंतजार करते होंगे ठीक है तो आई होप कि आपकी मैं विश पूरा करता हूँ तो फेस क्या होता है बेटा

तो मतलब जो हमारा अर्थ है सूर्य के इस एंगल पर ऑसिलेट कर रहा है चारों तरफ ठीक है मतलब इंस्टेंटेनियस ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बताना रहता है तो फेज मतलब किस पोजीशन पे वो वाइब्रेशन हो रहा है वही इसका क्या होता है फेज होता है ठीक है चलो और फेज आ, फेज में जैसे कि मान लो कोई ये आपका कोई इक्वेशन है मान लो कोई इक्वेशन है ये कोई इक्वेशन है और इस इक्वेशन में जो दिख रहा है ये आपका फेज का काम करता है फेज का ठीक है यह आपका फेज का काम करता है ठीक है यहाँ पे फेज का काम करता है कभी आपको ऐसा भी दिखेगा और कभी आपका फाइव टू माइनस फाइव वन आपका ऐसा डिफरेंस भी दिखेगा सो फेस डिफरेंस कहते हैं अगर आपको ऐसा दिखता है जैसे मान लो एक्स इक्वल टू ए साइन फाइव टू माइनस फाइव वन मतलब यहाँ पर फेज में डिफरेंस है मतलब दो हम लोग दो वेव दो मतलब दो पार्टिकल दो पार्टिकल ऐसे क्या कर रहे हैं मोशन कर रहे हैं और उन दो पार्टिकल का अपन क्या कर रहे हैं आप क्या निकाल रहे हैं उनका फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं कि वो वेव यहां पर ये भी है तो इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है इतना ये वाला इतना आगे चल रहा है इतना वाला पीछे चल रहा है कंपेयर करते हैं ना तो उस उस पोजिशन को भी करते हैं इसका पोजिशन यहां पर इसका पोजिशन यहां पहुंच गया है मतलब ये इतना आगे इतना थोड़ा पीछे ठीक है तो उस जगह से हम फेज डिफरेंस भी निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा फेज मतलब होता है कोई पार्टिकल का पोजीशन किस पोजीशन पे वो वाइब्रेट कर रहा है या किस पोजीशन पे वो ऑसिलेट कर रहा है या किस पोजीशन पे वो रिवोलेट कर रहा है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा ठीक है एक सेकंड रुकिए जरा मोबाइल में चार्जिंग लगा लेता हूं मोबाइल में चार्जिंग नहीं यार एक सेकंड बच्चों एक सेकंड हाँ नहीं तो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता ठीक है चलो सबको समझने बेटा आओ ऐसे मान लो आपको और दिखाता हूं डिटेल और डिटेल बताता हूं और डिटेल ऐसे मान लो ये ऐसा है मैं आपको हर चीज बताऊंगा ऐसा ओके तो यहां पर तो एक दो होता है एक होता है फेज होता है एक पाथ होता है ठीक है एक पाथ लेंथ होता है ठीक है एक फेज होता है दो चीज होता है तो ध्यान दीजिएगा यहां से लेके यहां तक का जो दो वेव का जो डिस्टेंस रहता है उसे वेवलेंथ कहते हैं ठीक है थीके? और यही आपका क्या होता है लेंथ तो, तो आप क्या बताओगे पता है? जब पूछा जाएगा, तो आप क्या बताओगे लेमडा बताओगे फेज होता है फेज समझते एंगल रहता है क्या रहता है एंगल जीरो से शुरू किया है ठीक है जीरो से शुरू करके ऐसा आया है ठीक है फिर ऐसे यहां पर जा रहा है अंडरस्टेंड टू नॉट जीरो से जैसे शुरू किया है तो कहां पर आया होगा पाई बाई टू पर आया होगा ये आके क्या हो गया पाई में आ गया होगा ठीक है ऐसा ऐसा रुको तो को बताता हूँ आपका ऐसा हो जाएगा एक सेकेंड ऐसा ऐसा थोड़ा बताता हूँ ऐसा 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 ठीक है तो ऐसे मान लो आपका ऐसा एंगल है यहाँ पर हाँ यहां पर मान लो जीरो से जीरो ठीक है यहां पर आपका क्या आ गया यहाँ पर आपका पाई बाय टू गया यहाँ पर आपका कितना आया पाई आया ठीक है यहां पर आपका क्या हो गया थ्री पाई बाय टू आ गया यहां पर आपका क्या आ गया टू पाई आ गया

समझा तो हां बोलो फटाक से गाइस yes बने रहो प्लीज सब लोग बने रहो सबको समझा वेरी गुड हार्ट जो हार्ट 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 ऐसा वाला खचाक क्रिस्टल क्लियर वेरी गुड थैंक यू वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओके एक जन बोल रहे हैं नो no. स्वप्निल so, बेटा आपने बोला नो एंड uh, प्रथम दुबे आप दुबे जी यार दुबे जी का नाम रोशन खराब कर रहे हो आप हाँ खरा भाई भी दूबे अजय दूबे हाँ मायने तो में अजय दुबे हाँ तो प्रथम दुबे आप मेरा नाम खराब करो सरने लग रहा कही हो है कहीं ध्यान और तो है कहीं कहीं पर निगाहें कहीं पर ना लग रहा है आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं है हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो चैटिंग मत करो चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस चलो कंग्रेचुलेशंस सर 1k हो गया बधाई हो यार मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था 1k हो गया धन्यवाद पब्लिक मुझे उम्मीद है यार 1.5 भी करा दोगे चलो आगे बढ़ते हैं चलो कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम हैविंग सेम पीरियड अलोंग सेम पाथ अब बेटा यहां पर ध्यान देना यहां पर प्लीज ध्यान देना ठीक है अगर यहां पर आपने गुस्ताखी किया तो आपको ये बाउंस चला जाएगा ठीक है लेकिन आपने थोड़ा भी ध्यान दे दिया ना तो ये डिरेक्शन के सबको इंतजार रहता है बच्चे हमेशा इस डिरे का इंतजार करते हैं और ये यह आपका कम से कम एग्जाम में बेटा चार नंबर या चार तीन या नंबर नंबर फिर का आएगा ठीक तो है ध्यान दीजिएगा इस डेरिवेशन में हमें एक दो तीन चार चार पॉइंट निकालना है चार पॉइंट ठीक है तो हर पॉइंट के लिए अच्छे से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करिए कहीं इंस्टाग्राम पे कहीं फेसबुक पर कहीं ट्विटर पे कहीं लिंकड पर मतलब कहीं पर भी आप जाओ मत ठीक है मतलब फुल्ली कॉन्सेंट्रेट हियर कहीं पर फिलहाल आपको बस ज्यादा ज्यादातर दस दस मिनट लगेगा आपको इसको एक्सप्लेन करने में दस से पंद्रह मिनट पूरी तरह मुझे दे दो आपको इसका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा ठीक है लेकिन कॉन्सनट्रेट करो आपका यहां पर डिस्मेंट का नाम है कॉम्पोजिशन ऑफ टू एस एच एम हैविंग सेम पीरियड अलॉन्ग सेम पाथ यहां पर क्या करना है आपको यहां पर क्या करना है क्या हुआ मुझे कम से कम अभी पंद्रह बीस मिनट जाके आओ दौड़ के, के जाओ भाग के आओ ठीक है लाओ ध्यान दो बेटा यहां पर आपको इस डेरिवेशन का मतलब क्या पता है इस डेरिवेशन क्या लिखा है यहां पर सर आज आपने तो कमाल कर दिया धोती फोड़ के रुमाल कर दिया है मेरा पेपर था फिजिक्स का तो मैं पचास टू पचास मार्क आया मुझे बट आप इलेवेंथ के वीडियो क्यों नहीं बना रहा हो बनाऊंगा बनाऊंगा स्टूडियो एक ही है लेक्चर अब क्या बताऊ यार अपने भाई को सपोर्ट करो जल्दी स्टूडियो खोल दें सब लोग फटाफट मिलकर और आपका इलेवंथ भी क्या हो जाए फटाफट चालू हो जाए सपोर्ट बनाए रहो बहुत जल्दी आपका मिड लेक्चर मिलेगा इलेवंथ वालों माफी मांगता हूँ लेकिन आपका वीडियो मेरी तरफ से चार पांच वीडियो आपका अपडेटेड है सर के पास है अब सर शायद बिजी होंगे इसलिए आपको अपलोड नहीं करते होंगे ठीक है वो जल्दी अपलोड कर देंगे टेंशन ना लो लेकिन यार अपलोड है मेरे पास मेरे साइड से हो चुका है ठीक है टेंशन मत लो आओ

हमें दो पार्टिकल को कंपेयर करके चलना है ठीक है हमें यहां पर दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट साथ में लेके चलना गसा। है दो पार्टिकल एक साथ एक ही पाथ पर ऐसे ऑसोलेट करते हुए आगे जा रहे हैं तो उनका टोटल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमें पहले वो निकालना है फिर उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना रहेगा हमें वो निकालना है उसके बाद हमें उनका ये फेज निकालना रहेगा फिर उनका हम क्या निकालेंगे अलग अलग एंगल पे फेज डिफरेंस क्या हो रहा है हमें वो निकालना रहेगा ठीक है तो बहुत ईजी है

अभी हमने सॉल्व किया था x equal to a sin omega t plus alpha याद आया कि नहीं आता है ठीक है तो वही भाई का इक्वेशन हमने दो पार्टिकल के लिए पहला पार्टिकल तो आपका कैसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा और दूसरा पार्टिकल क्या रह जाएगा आपका x2 हो जाएगा x2 equal to a2 sin omega t alpha2 अच्छा अल्फा की जगह पे यहाँ पर आपके बुक में क्या लिया पता है phi लिया है phi क्या बताता है वो किस फेज डिफरेंस पर है ठीक है तो आपको टेंशन नहीं लेना आप ये भी ले सकते हो आपको अगर चाहिए तो ये भी ले सकते हो ठीक है ठीके? चलो आप यही ले लो क्योंकि आपके बुक में वही दिया गया ठीक है चलो तो अपने दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ले लिया है ये ले लिया यहाँ पर ले लिया यहाँ पर ले लिया अब आपको क्या करना है दोनों का मिला के टोटल बनाना है तो टोटल के लिए क्या करो फो टोटल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एक्स कर दो एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू आप इसका इसका ऐड कर दो तो इसको ऐड कर दिया और प्लस इसको ऐड कर दिया इसके जगह पे ये पुट कर दिया इसके जगह पे ये पुट कर दिया ठीक है अब क्या कर रहे हो अब ध्यान देना है यहां आप पर, पर आपका टोटल अब ध्यान दो बेटा ठीक हाँ, है यहां ध्यान दीजिएगा जूम कर दो दिख रहा होगा नहीं दिख रहा है ठीक है चलो अब क्या करना है पहला स्टेप क्लियर हो गया दूसरे स्टेप में अब जब आपने वैल्यू पुट कर दिया तो काम करो साइन से इसका वैल्यू इसका क्या करो साइन से ब्रैकेट खोलो अब यहाँ पर भी साइन से ब्रैकेट को से खोलो ठीक है साइन से ब्रैकेट खोलोगे तो साइन ओमेगा टी साइन फाइव वन और यहाँ पर ए टू को बाहर लेके फिर से साइंस से ब्रैकेट खोलो तो साइन ओमेगा टी टू कॉस फाइव टू प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव टू ऐसा आपका क्या बनेगा ब्रैकेट खुलेगा सर आपने क्या किया समझा नहीं मुझे यहाँ पर क्या था साइन ऐसा दिख रहा है यहाँ पर क्या साइन ऐसा दिख रहा है तो आपको पता है ये कुछ ऐसा दिख रहा है साइन ए प्लस बी दिख रहा है ठीक है मतलब साइन ये मान लो ए है या आपका बी है तो साइन ए प्लस बी ये मान लो साइन है बी है ऐसा दिख रहा है और साइन ए प्लस बी जब दिखता है तो उसका जो टिग्नोमैट्री होता है टिक्नोमेट्री क्योंकि तो इसको विजय सर ने शायद पढ़ाया होगा या पढ़ाएंगे ऐसा टिक्नोमेट्री का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है उसको आप ब्लॉक टेबल में सर्च कर सकते हो कहीं पर आपको मिलेगा फॉर्मूला अगर आपको ऐसा दिखता है तो उसका जो सोल्यूशन होता है ऐसा रहता है साइन ए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी ऐसा दिखते हैं ठीक है थीके? अगर ऐसा दिखता है तो उसको ऐसा लिखा जाता है तो आप देख रहे हो यहां पर देखो जरा यहां पर देखो देखो आपका साइन ए प्लस बी आपका साइन ए प्लस बी जिसको रिजॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा साइन ओमेगा इंटू कॉस एंड कॉस ठीक है इंटू साइन ऐसा अब उस ए टू को बाहर लेके करो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस एंड कॉस इंटू साइन ऐसा दिखेगा ठीक है अब क्या करना है आपने ए को बाहर रखा था इधर पर और ए को बाहर रखा था यहां पर तो अब क्या करो ए को अंदर डाल दो ए तो वन को डालोगे ब्रेकेट के अंदर तो ए वन ऐसा हो जाएगा तो ये ब्रेकेट के अंदर डालोगे तो आपका ए वन इधर आ गया ए डालोगे तो ए टू यहां पर ए टू यहां पर आ जाएगा आपने ए को भी यहां पर क्या कर दिया पुट कर दिया ठीक है अब क्या करना है अब क्या करना है वाट यू हैव टू डू नेक्स्ट अब यहां पर एक काम करो आप देखो ये साइन ओमेगा एंड है तो आप ऐसा सोचो कि ऐसा इसके बगल ना ये ना रहे इसके बगल में साइन है ना तो इसके बगल में कॉस नहीं इसके बगल में साइन है अगर यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर नहीं यहाँ पर साइन आ जाए ठीक है अगर तो, तो आप क्या करो आप यहाँ पर इसके बगल में अपने इसके बगल में साइन लाने की कोशिश करो तो आप क्या करो यहां से इस वाले इक्वेशन को उठा के

ऐसा इसलिए किया कल को मैं जाके साइन ओमेगा टी यहाँ पर और कॉस ओमेगा टी यहाँ पर क्या ले लूंगा कॉन्स्टेंट ले लूंगा कॉन्स्टेंट समझते हो कॉमन ले लूंगा कॉमन बाहर ले लूंगा इसलिए मैंने क्या किया ऐसा काम तो किया देखो अगर यहाँ देखा जाए इतने में इतने में देखोगे तो साइन ओमेगा टी साइन ओमेगाट दो बार है तो उसको मैंने क्या बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा ए वन कॉस फाइव वन और ए टू कॉस फाइव टू बचेगा अब ऐसे में यहाँ पर भी क्या करूंगा कॉस यहाँ पर दिख रहा है कॉस् ऑफ मेगाटी यहाँ दिख रहा है तो कॉस ऑफ मेगाटी को बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या A1 sin 51 A2 sin 52 बचेगा ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू बचेगा ठीक है इतना बच गया अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर जो यहाँ पर ए वन कॉस्ट फाइव वन प्लस ए टू कॉस्ट फाइव टू बचा है उसका वैल्यू मान लो आर कॉस्ट थीटा और जो यहाँ ए वन साइन फाइव वन एंड ए टू साइन फाइव टू दिख रहा है इसका इसका वैल्यू मान लो आर साइन थीटा मतलब आप इसके जगह पे ये अज्यूम कर लो और इसके जगह पे ये एजूम कर लो ठीक है ये आपको फिलहाल मानना ही पड़ेगा एजूम करना पड़ेगा ठीक है इसका मान लो ए वन ए टू जो आपका एम्पलीट्यूड है तो उसका एम्पलीट्यूड आपका आर टोटल हो जाएगा और कॉस कॉस आपका कॉस रहेगा और फाइव आपका डेल्टा हो जाएगा यहाँ साइन साइन ही रहेगा और इसका ए इसको मिला के आपका आर हो जाएगा और जो फाइव आपका टोटल डेल्टा हो जाएगा डिफरेंस बताएगा तो इसके जगह पे ये ले लो और इसके इसके जगह पे यह ले लो तो ये वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दूंगा अगले स्टेप में ठीक है तो अगले स्टेप में जब पुट करूंगा यहाँ पर यहाँ पर क्या पुट करूंगा पता है यहाँ पर पुट करूंगा आर कॉस्ट डीटा और यहाँ क्या पुट कर पता है आर सैन थीटा पुट कर दूंगा लेकिन इसको आपको मान के चलना पड़ेगा ठीक है चलो पुट करता हूँ उसको मैं और ये इक्वेशन ध्यान दीजिएगा ठीक है ये देखो इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री इक्वेशन ये दोनों बहुत काम की चीज़ है इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री जो आपने माना है जो आपने कंसिडर किया है बहुत काम की चीज़ है इससे बहुत सारे आगे के इक्वेशन सॉल्व होने वाले ध्यान दीजिएगा इक्वेशन जो आपने माना है आगे चल के काम आएगा अब हम क्या करेंगे जब इसको यहां पर पुट करेंगे क्या पुट करूंगा देखो इसके जगह पे मतलब ये जो दिख रहा है ये पुट करूंगा और इसके जगह पे जो मैं जो मैंने अजूम किया ये पुट करूंगा जब पुट करूंगा तो क्या दिखेगा आपको ऐसा दिखेगा हाँ तो आपको यहाँ पर क्या क्या पुट किया तो पुट किया तो आपको देखो यहां पर आ गया ये आ गया यहाँ पर आ गया यहाँ पर आ गया ठीक है ऐसा हो गया अब मैं क्या करूंगा पता है देखो यहां पर भी आर है और यहां पे भी आर आर को मैं लूंगा कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा इंटू कॉस बीस एंटू, एंटू सा है ना उसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि तो इसी का फॉर्मूला है ठीक है तो मतलब कैसा दिख रहा है ये साइन ए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दिख रहा है जो ऐसा दिखता है तो आप ऐसा लिख सकते हो साइन

तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करो यहाँ पर जो इक्वेशन थे ना कहाँ पर ये इक्वेशन जो आपने अजूब कहे थे कौन सा ये वाला और ये वाला इन दोनों क्या करो इसको और इसको ऐड करो स्क्वायर करो इसको इसको ऐड करो स्क्वायर करो, करो, करो मतलब ये सबको स्क्वायरिंग करके ऐड करो और इसको भी स्क्वायरिंग करके ऐड करो लेफ्ट और राइट को जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा पता है यहां देखो ऐसा करोगे देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन एंड थ्री तो आपको ऐसा स्क्वायरिंग कर दो सबका सबका स्क्वायरिंग कर दो स्क्वायरिंग करोगे देखो ए प्लस बी ए प्लस बी द होल स्क्वायर ऐसा स्क्वायरिंग करो तो ऐसा बन जाएगा आपको पता है ये देखो इसको मान लो ए इसको मान लो ए इसको मान लो बी ए प्लस बी द होल स्क्वायर इसको मान लो ए इसको मान लो बी ए प्लस बी द होल स्क्वायर ठीक है ऐसा हो जाएगा आपका जब उसको आप क्या करोगे ऐड करके स्क्वायर करोगे तो ठीक है अब आपको पता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ठीक है ऐसा होता है कि नहीं होता है तो आप इसको और इसको इस तरह से क्या करो स्प्लिट करो ठीक है जिसको आप स्प्लिट करोगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको स्प्लिट करना पड़ेगा ठीक है हमने सबसे पहले इधर स्प्लिट किया इसको इसको स्प्लिट किया ये वाला लाइन दिख रहा है ये वाला लाइन ये वाला जो लाइन है इसको स्प्लिट किया है अब इसको जो स्प्लिट किया मैंने नीचे स्प्लिट किया यहाँ पर इसको यहाँ पर स्प्लिट किया है ठीक है अब इसको मैंने आ, देखो आर यहां पर आर को कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिख रहा होगा ठीक है ऐसा कर लिया अब क्या करूंगा मैं यहां पर अब मैं यहां पर करूंगा कि ए वन और ए टू कॉमन लेके और टू ए वन ए टू कॉमन ले लूंगा तो जो भी बचेगा उसको ब्रेकेट में डाल दूंगा ठीक है जो ब्रेकेट में देखूंगा तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव और यहाँ पर भी सेम बचेगा ठीक है तो हम क्या करूंगा आपको पता है आपको पता है जब इनवर्सल इनवर्सल फॉर्मूला होता है साइन का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहता है तो उसका वैल्यू वन होता है क्या होता है साइन स्क्वायर कॉ स्क्का लिया यहां तो यह पर वैल्यू आ, आ जाएगा क्या आ जाएगा चलता रहेगा ठीक है अब इसको हमने कर लिया आगे चल के देखो आगे चल के क्या हो जाएगा तो ये तो इसके जगह पे ए वन स्क्वायर लिख दिया इसकी जगह पर वन आ गया ठीक है ए टू लिख दिया इसकी जगह पर वन आ जाएगा अब यह बचाइए टू ए वन ए टू आ गया अब ये दिख रहा है आपको ये 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 दिख रहा है कॉस इंटू कॉस एंड साइन इंटू साइन देखो अभी आपने देखा था अभी आपने क्या देखा था ऐसा देखा था साइन ए प्लस बी देखा था और साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है ठीक है अगर ऐसा रहेगा लेकिन अगर क्या होगा अगर ऐसा हो जाए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाए तब क्या होगा तब कौन सा फॉर्मला इस्तेमाल करेंगे सर ऐसा लिखा तो ऐसा लिखेंगे क्या नहीं तो ऐसा नहीं लिखना पड़ता है और इसमें क्या करना पड़ता है कॉस लिखना पड़ता है कॉस का फॉर्मूला है कॉस क्या हो जाएगा आपका फाइव वन माइनस फाइव टू हो जाता है ये फॉर्मूला आ जाता है ठीक है अगर ऐसा दिखता है तो उसका जो आपका आंसर होता है ऐसा होता है ठीक है ऐसा दिखा तो ऐसा लिखने का ठीक है थीके? ऐसा लिख दिया एज्क टू आर स्क्वायर यहां पर था आपके पास आप क्या करेंगे देखिए मुझे आर स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे सिर्फ आर चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो तो टेकिंग स्क्वायर रूट लो गए सबके सब किसके अंदर आ जाएंगे रूट के अंदर आ जाएंगे और यही आपका क्या है दिस इज द रिजल्ट एम्पलीट्यूड क्या बेटा दिस इज द रिजल्ट एम्पलीट्यूड बहुत सिंपल लिखा है जिसको आपके पास जब पी डी एफ भेजूंगा पी डी एफ के लिए दुबे जी फिजिक्स के बाबा और न्यू इंडियन एरा के टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको भेजूंगा उसको प्यार से देखिएगा आपको जरूर समझ में आ जाएगा ठीक है थोड़ा टाइम लेगा सब समझ में जरूर आएगा समझने के माइंड से बैठे तो समझ में आ जाएगा ठीक है चलो आगे करते हैं तो आपने भी निकाल लिया अब आपको क्या निकालना पता है अब आपको क्या निकालना है अब आपको रिजल्टेंट फेज निकालना है क्या निकालना रिजल्टेंट फेज अब रिजल्टेंट फेज के लिए क्या करो पता फिर से यहीं पर 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 आ पर? पर? पर पर आ जाओ जाओ मैंने बताया था ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कहा गया ये वाला इक्वेशन फिर से इक्वेशन आ जाओ इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपने क्या निकाला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला ना अब इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप रिजल्टेंट फेज भी निकालने वाले हो क्या निकालने वाले हो रिजल्टेंट फेज निकालने वाले हो ठीक है रिजल्टेंट फेज निकालने वाले हो ठीक है ठीक है जाओ आ जाओ रिजल्टन फेज के लिए आ जाओ गाइस नाउ रिजल्टेंट फेज रिजल्टेंट फेज के लिए क्या करना पता है इक्वेशन टू और जो 3 बने दिखाया था उसको आपस में डिवाइड करो ठीक है इक्वेशन टू को थ्री से डिवाइड करोगे जब डिवाइड करो तो कॉज देखो ऐसा हो जाएगा मतलब लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करना राइट right को राइट right को डिवाइड करना ठीक है तो ऐसा हो जाएगा आपका इक्वेशन थ्री को डिवाइड करना इक्वेशन टू से इक्वेशन जो थ्री था उसमें इक्वेशन जो थ्री था उसको डिवाइड करना इक्वेशन टू से लेफ्ट को लेफ्ट के साथ राइट right को राइट के साथ ऊपर था इक्वेशन ठीक है ऊपर देख लेना जब डिवाइड करोगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा जब वहाँ पर आर आर से कैंसिल हो जाएगा और साइन कॉस क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा साइन कॉज टेन मैंने इसको रिवर्स कर दिया मतलब इसको यहाँ दिखा रहा रो उसको यहाँ दिखा रहा रो तो साइन कॉस टेन हो गया और ये यहाँ पर आ जाएंगे तो अब करना क्या आपको पता है अब करना क्या है आप टेन डेल्टा ये आपको देखो डेल्टा डेल्टा आपका फेज है क्या है रिजल्ट फेज डिफरेंस है तो डेल्टा को यहाँ रखो और टेन यहाँ पर भेज दो जब टेन यहाँ पर जाएगा तो टेन इनवर्स में आ जाएगा तो यहां पर क्या आएगा यही सेम स्टेट था इसलिए मैंने लिखा नहीं ठीक है तो आपका यहाँ आ गया तो ये आपका क्या है आंसर है कौन सा आंसर है ये आपका रिजल्टेंट फेस है क्या है रिजल्ट फेस अब क्या करना है अब हमें फेस डिफरेंस निकालना है सपोज फेस डिफरेंस निकालना है ठीक है हमें फेस डिफरेंस निकालना है तो फेस डिफरेंस किस पे निकालना है एट जीरो रेडियंस एट पाई रेडियन और पाई बाय टू रेडियन पर ऐसा आपको एग्जाम में पूछ सकता है ठीक है तो फेस डिफरेंस क्या होता है पता है आपको फाइव वन माइनस फाइव टू ये आपका फेस डिफरेंस होता है यहाँ निकाल पर निकाला था देखो यहाँ पर निकाला था इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है फाइव वन माइनस फाइव टू जब आपको फेज डिफरेंस पूछेगा तो यही फार्मूला इस्तेमाल करना ठीक है अगर आपको बोलेगा फेज एंगल निकालने के लिए तो आप ये फॉर्मूला निकालना कोई इंसान ये निकालना देखो ये ठीक है रिजल्टेंट फेज रिजल्टेंट फेज पूछेगा तो आपको ये फार्मूला लगाना है और अगर बोलेगा फेज डिफरेंस के लिए तो आप ये फार्मूला का इस्तेमाल करना ठीक है यहाँ पर दिख रहा है आपको ये 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 फेस फेस डिफरेंस बताता है क्या बताता है ये आपका फेस फेज डिफरेंस बताता है कि कौन सा पार्टिकल किससे कितना आगे पीछे चल रहा है ठीक है तो आपको ये निकालना है तो ये निकालने के लिए आप ये फॉर्मले का इस्तेमाल करना है ठीक है ये फॉमले का इस्तेमाल जब आप करोगे जब आप करोगे तो आप किसी भी एंगल पर निकाल सकते हो जैसे आपको निकालना है किस एंगल पर आपको फेज डिफरेंस निकालना है एट जीरो एंगल मतलब आपका जीरो रेडियंस है कहाँ पर फेज एंगल निकालना है फेज एंगल जो आपका है कितना है जीरो है जीरो रेडियन है आपका फेज डिफरेंस कितना है जीरो रेडियंस इस पर निकालना है ठीक है तो निकालते हैं आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू और क्या हो जाएगा कॉस और उसका वैल्यू क्या होता है जीरो तो कॉस जीरो आपको पता है कॉस जीरो क्या होता है वन होता है तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू इसका वैल्यू वन आ गया तो लिखने को जर, कोई ज़रूरत नहीं है तो ये क्या हो गया आपका ए प्लस बी द होल स्क्वायर बन गया ना तो उसको ऐसा लिख सकते हो कैसा ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए प्लस ए वन प्लस ए टू द होल स्क्वायर ऐसा बन गया ना इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे मिलेगा ठीक है अब आपको पता है इससे इसको रूट को काट दोगे तो आपको क्या बचेगा ए वन प्लस ए टू बचेगा तो आपका आर जो मिलेगा जीरो जीरो डिफरेंस पे आपको आर इतना मिलेगा ए वन प्लस ए टू मिलेगा ठीक है अगर आपको किस पे निकालना है सपोज पे निकालना है सपोज आपको फेज डिफरेंस नाइन्टी पे निकालना है किस पे नाइन्टी पर आपका फेज डिफरेंस किस पे निकालना है जो फाइव है फाइव वन फाइव टू किस निकालना है नाइन्टी पर नाइन्टी समझते हो पाई बाई टू ठीक है पाई बाई टू पे निकालना है तो कैसे निकलेगा आर इक्वल टू ऐसे करना ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस क्या हो जाएगा इसका वैल्यू कितना 90। नाइन्टी तो कॉस नाइन्टी मतलब पाई बाई टू भी रख सकते हो आपको पता है cos नाइन्टी कितना होता है Cos नाइन्टी ज़ीरो होता है क्या होता है जीरो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर आपको पता है कॉस्ट नाइन्टी जीरो होता है और जीरो से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा प्लस जीरो आ जाएगा क्योंकि तो कॉस्ट नाइन्टी कितना होता है कॉस नाइन्टी डिग्री होता है जीरो अब जीरो से जो इतना टकराएगा तो सब जीरो हो जाएगा तो आपको अंदर क्या बचेगा पता है अंदर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा आर तो आपका आंसर ऐसा आ जाएगा ठीक है अनिशोर कितने एंगल पे नाइन्टी पर ऐसा आप किस पे निकाल सकते हो वन एट्टी पर निकाल सकते हो वन एट्टी पर सपोज आपको वन एट्टी पर निकालना है तो कॉस वन एट्टी कितना होता है माइनस वन होता है कितना माइनस वन तो आपको कौन सा वैल्यू आएगा पता है ए प्लस बी वाला ही आएगा लेकिन माइनस में आएगा जो भी पहला वाला निकाला था ठीक है अंडस्टूड नॉट तो ऐसा आप क्या कर सकते हो डिफरेंस भी निकाल सकते हो जो लास्ट में निकाल लास्ट में लास्ट में दिख रहा है ये सब ऐसे जीरो पे पाई पर पाई बाई टू पर आप ऐसे भी निकाल सकते हो ठीक है ऐसे निकाल के चेक कर सकते हो तो आपके एग्जाम में एक ऐसा आएगा एग्जाम में कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ पूरा भी आ सकता है या कोई एक पूछ सकता है द द एम्पलीट्यूड या आ, या रिजल्टेंट फेज आपको फेज डिफरेंस निकालने के लिए अलग अलग एंगल पे आ सकता है तो कोई भी आए यार आप पूरा करके रखोगे तो आप किसी भी चीज के लिए तैयार रहोगे ठीक है डरना नहीं है आपको ठीक है इसको एक दो बार क्या कर लेना प्रैक्टिस कर लेना चलो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है ठीक है बस आपका पांच मिनट और बस पांच मिनट ठीक है बस पांच मिनट और दो चलो गाइस फटाफट ध्यान दें यहां पर गाइस बस पांच मिनट बच्चा थक गया यार ठीक <laughs> है बोल बोल के कितना बड़ा डेरिवेशन था यार सब लोग स्किप करते लेकिन मैंने स्किप नहीं किया बोला आपको बताऊंगा क्योंकि बच्चे उसमें हमेशा सफर करते हैं मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेंशन मत लेना ठीक है आपको टेलीग्राम पर न्यू इंडियन एरा के चैनल पे आपको भिजवा भी दूंगा ठीक है टेंशन ना लूँ यार नेहा के चक्कर में मत पढ़ो मार खाओगे ठीक है पूरा लेक्चर की वाट लगा देते तो तुम नेहा के चक्कर में ठीक बकलोर है बकलोरगिरी मत करो बच्चों नेहा नो नेहा वो नेहा वो नेहा, वो नेहा नहीं है जो नेहा समझ रहे हो वो नेहा वो है जो आप नहीं समझ रहे हो ठीक है तो नेहा के चक्कर में मत पढ़ो नहीं तो आपका नाम खराब हो जाएगा और नेहा यहाँ पे बहुत अच्छी लड़की है वो कुछ लड़के हैं जो नेहा बन के मस्ती करते हैं ठीक है तो प्लीज़ इसमें आप नेहा को बद बदनाम ना करिए बिकॉज नेहा नाम की बहुत अच्छी लड़कियां हैं जो लेक्चर अटेंड करती हैं तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करो उनकी ठीक है मस्ती मत करो आज बेटा सिंपल पेंडुलम क्या बेटा सिंपल पेंडुलम अगला क्या है सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम क्या होता है ये कोनिकल पेंडुलम जैसा ही रहता है लेकिन ये ऐसा नहीं देखो ये एक ही पाथ पे देख रहे ऐसा एक ही पाथ पे घूमता है इसे सिंपल पेंडुलम कहते हैं और जो ऐसा 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 देखो देखो एक होता है ऐसा 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 इसे कहते हैं सिंपल क्या कहते हैं सिंपल पेंडुलम और कुछ होता है ना ऐसा जिले बी बाय जिले भी बाय जिले भी बाय ठीक है ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा जो होता है कोनिकल रहता है लेकिन जो ऐसा रहता है ऐसा ऐसा, ऐसा 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 वो सिंपल रहता है तो ये जो होता है सिंपल है क्या है सिंपल अगर इसको ऐसा करा रहा हूँ ले तो ये कोनिकल हो जाए क्या हो जाए कोनिकल तो कोनिकल हमने पढ़ लिया है कहाँ पर पहले पहले कहा सर अरे पहले चैप्टर में ठीक है अब पूछना मत ठीक है वो भी लास्ट टॉपिक उसका वही था इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक सिंपल पेंडुलम है ठीक है तो ये एक ही पाथ पे ऐसे से करता है ऐसे ठीक है ऐसे ऐसे मतलब ऐसे एक ही पाथ पे ऐसे करेगा ट्रू एंड फ्रो मोशन तो उसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम क्या कहते हैं सिंपल पेंडुलम ओके हाउ सर लर्न है वेरी गुड देखो मेरे कुछ लिखा आपके लिए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल उसे कहते हैं बॉब और सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम रिजिट सपोर्ट ठीक है मतलब इसके बाद देखो जरा सिंपल पेंडुलम क्या रहता है सिंपल पेंडुलम में एक थ्रेड रहता, रहता है थ्रेड थ्रेड से बधा हुआ आपका बॉब रहता है ठीक है और वो मेटल का बॉब रहता है और थ्रेड रहता है ये ये किसी रस्सी का रहता है या किसी धागे का रहता है ठीक है इससे यहाँ पर बॉब बधा रहता है और ये ऐसे 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 ट्रू एंड फ्रो मोशन करता रहता है सेम पाथ पे कहते हैं सिंपल पेंडुलम कहते हैं क्या कहते हैं सिंपल पेंडुलम और किसी ऊपर रिजिड सपोर्ट से क्या रहता है बधा रहता है ठीक है इसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम और इसका फॉर्मूला होता है ये दिस इज द फॉर्मूला टी इक्वल टू टू पाई अंडर उल बाय जी और सेकेंड पेंडुलम भी आपने सुना होगा जो कि सेकेंड पेंडुलम ओमिटेड है इस चैप्टर के बहुत से टॉपिक रिलेटेड है बेटा तो रिलेटेड टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं गया है वही टॉपिक पढ़ाया गया है जो आपके एग्जाम में आने वाला है ठीक है टेंशन मत लेना सेकेंड पेंडुलम क्या होता है जिस पेंडुलम का जो रिवोल्यूशन सेकेंड रहता है टू सेकंड रहता है जिस पेंडुलम का रिवोल्यूशन टू सेकंड का होता है उसे सेकंड पेंडुलम कहते हैं अगर गलती से कभी सब सेकेंड पेंडोलम के बारे में आपको आग आ गया तो बेटा ध्यान देना ये फार्मूला लगाएंगे ये फार्मूला ठीक है ये फार्मूला लगाना सेकंड पेंडुलम के लिए इसका हमने इसका हमने वो भी रखा है क्या रखा है डेरीवेशन घबराना हुआ डेरीवेशन आपको बताऊंगा ठीक है ना यहाँ पर आप बोलोगे सर सीधा यहाँ बता देंगे देखो मैंने आपके डेरीवेशन बना के रखा है इसका जो जो फॉर्मूला आया है ये वाला फॉर्मूला ये फार्मूला कैसे आया तो ये फॉर्मूला कैसे आया देखो यहाँ से आया बताऊंगा ठीक है शायद में भी यहां पर कोई ऑपरेटर नहीं यार सायद यहां पर हो सकता है अभी लेक्चर खत्म हो जाए क्योंकि यहां पर रेड सिग्नल दिख रहा है बैटरी खत्म हो गया हेमंत गायब है ठीक है तो अगर गलती से दिखाई ना दू तो प्लीज समझ जाना कि शायद बैटरी खत्म हो गया है कैमरे का मैं चेक करता हूं बैटरी लगाने के लिए ठीक है एक सेकेंड रुको बच्चों में आपको दिखाई दे रहा हूं गाइस दिखाई दे रहा हूं क्या आपको हेलो हेलो दिखाई दे रहा हूं ओके okay, फटाक से कर लेते हैं बिकॉज यहां पर कोई है ही नहीं और बैटरी मुझे मिल नहीं रहा है प्रॉपर ठीक है तो शायद फटाक से कर लेते हैं फटाक से फटाक से करेंगे क्योंकि कभी भी खत्म हो सकता Red signal है रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है टाइम दिख रहा है कभी खत्म हो सकता है एक्सप्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम फोर टाइम पीरियड आपको सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल करके उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो कैसे निकालोगे ठीक है ध्यान दो यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं अपन तो यहाँ पर मैंने क्या किया है एक पेंडुलम कंसिडर किया है जो कि रिजिट सपोर्ट से क्या हुआ है बधा हुआ है किससे बधा हुआ है रिजिट सपोर्ट से दिस इज रिजिट सपोर्ट और इससे पेंडुलम लटका हुआ है पेंडुलम को हम यहाँ पर लेके आएंगे फिर ऐसे यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ जाएगा मान लो ऐसा आपका कोई रिजिट सपोर्ट है इससे यहाँ पर आपका पेंडुलम यहाँ पर इसका लेंथ एल है और इसको मैंने खींच के यहाँ पर लेकर आया तो यहाँ पर आपका पेंडुलम यहाँ पर है यहाँ से यहाँ पर एक्स डिस्प्लेस करके यहाँ पर आ चुका है फिर यहाँ पर इसका एम क्या होगा वेट नीचे जाएगा ठीक है और इसके ऊपर जो एम ये जो आपका क्या रहेगा ए, इसको एम को क्या करें रिवॉल्व करेंगे दो कॉम्पोनेंट में एक आपका ऐसा कॉम्पोनेट आएगा और एक ऐसा यहाँ पर जाएगा तो इसमें जो आएगा एम जी कॉस्ट टिटा जाएगा क्योंकि तो यहाँ पर एंगल बन रहा है फटाख से और यहाँ पर एम जी साइन टीटा जाएगा ठीक है और इसको इसको बैलेंस कौन करेगा टेंशन तो बैलेंस करेगा कौन बैलेंस करेगा टेंशन बैलेंस करेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर ध्यान दो ध्यान दो यहाँ पर क्या करेंगे हमें पता है वी कैन राइट एफ इक्वल टू क्या होता है एम जी साइन थीटा कैसे क्योंकि यहाँ पर ध्यान दो यार यहां पर ध्यान दो इसका बैटरी चेंज करो फटाक से बैटरी बैटरी रेड दिखा रहा है ऑन द स्पॉट आ आ गया? आ गया ना? देखो अब बच्चों का टेंशन था खत्म हो गया हेमंत आके बैटरी चेंज कर दिए ठीक है टेंशन मत लेना अब देखो अब यहां पर देखो मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ाऊंगा आराम से पढ़ाऊंगा ठीक है तो क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है यहां पर देखो जरा यहां पर एस सोन इन फिगर वी कैन राइट दैट देखो यहाँ पर पेंडुलम था बेटा पेंडुलम यहां था और पेंडुलम यहां जा रहा है पेंडुलम जा रहा है फिर इसको क्या होगा कोई ऐसा फोर्स रहता है खींचता है ठीक है तो एक फोर्स रहेगा जो यहाँ तो भेजेगा फिर बाद में खींच लेगा उसको अपनी तरफ खींच लेगा जैसे खींच लेगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऐसा डिस्प्लेस यहाँ पर हो रहा है डिस्प्लेस में यहाँ पर जा रहा है मतलब माइनस एम जी साइन ठीटा जा रहा है और उसको बैलेंस कौन कर रहा है आपका कौन सा इस एक होता है ना स्टोरिंग फोर्स स्टोरिंग फोर्स को स्टोर कर लेता है मतलब भेजता है फिर उसको खींच लेता है जो भेजता है तो आपको भेजता है फिर खींचता है तो अपने कि आगे चल के जो साइन रहेगा इसको एफ इक्वल टू क्या करो एफ इक्वल टू एम माइनस एम जी और साइन टीटा क्या होगा पता है मान लो अपना एंगल यहाँ पर है और आपको साइन टीटा निकालना है एंगल पे तो अपोजिट अपॉन क्या हो जाएगा ऐसा कर सकते हैं अपोजिट एंड uh, ऐसा कर सकते हैं अगर आपको निकालना है तो लेंथ आपका हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजशन कर सकते हैं सब कुछ समझा नहीं अपोजिट अपन हाइपो मान लो अभी लेंथ आपका एल है ठीक है तो आपका अगर आपका एक्स हो जाएगा अपोजिट यह हो जाएगा आपका आपका हाइपो हो जाएगा तो आपका इसके पर देंगे एक्स अपॉन एल हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स अपॉन एल ठीक है साइन आप जगह हमने से रख दिया और एफ क्या होता है आपका एम ए होता है तो माइनस एम जी एक्स अपॉन एल तो एम से एम को काट दिया तो आपका ए बच्चा ए इक्वल टू क्या हो गया माइनस जी एक्स अपॉन एल हो जाएगा ठीक है मतलब कैसा ऐसा हो जाएगा ठीक है ऐसा हो जाएगा एम से एम को काट दिया था तो आपको ए इक्वल टू माइनस एम जी तो एम को गलती से नहीं काटे यहाँ पर ध्यान दें दिया पर ध्यान दें पर वेट यहाँ पर आपका एम कटेगा एम यहाँ कट जाएगा एम कट जाएगा यहाँ गलती से एम दिखा रहे हैं यहाँ पर ध्यान मत देना यहाँ पर एम ध्यान मत देना क्योंकि कि एम कट चुका है अगर आपके पास पीडीएफ जाएगा तो ये ध्यान देना यहाँ पर एम कट चुका है गलती से आया ठीक है तो अच्छा का वैल्यू कहाँ पर आ गया आपको का वैल्यू आपको पता है का वैल्यू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स सर कहाँ से आया जब हम लोग स्टार्टिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सोलेशन निकाले थे एक्सोलेशन तो आपका ऐसा वैल्यू आया था तो एक की जगह आप पर ऐसा ओमेगा स्क्वायर एक्स पुट कर देना ठीक है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वर्ट विल हैपन अब यहाँ पर ये यह होगा कि जो एक्स था एक्स से कट जाएगा ठीक है तो जी ऊपर चला जाएगा और एल डर आ जाएगा अच्छा ये माइनस था तो माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ माइनस था ना आपका तो माइनस भी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल और आपको पता है ओमेगा का वैल्यू आपको पता होगा आपने रोटेशनल डायनेमिक पढ़ा है ना तो आप बताया था टू पाई बाय टी होता है तो आप ओमेगा की जगह पर टू पाई बाई टी ले लो ठीक है या उसको रख लोगे आप तो क्या हो जाएगा ऐसा आपने ओमेगा की जगह पर क्या ले लिया ओमेगा की जगह पे टू पाई बाय टी ठीक है तो ऐसा ले लोगे आप तो क्या हो जाएगा बेटा ओमेगा की क्या वैल्यू क्या हो जाएगा टू पाई बाय टी ठीक है तो ऐसा वोल्यूम रख दिया तो किसका स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में रख दिया ठीक है अब क्या हो जाएगा वाट विल हैव तो ऐसा हो जाएगा कि ये आपका हो जाएगा अगर इसका स्क्वायर ले लेंगे तो मेगा स्क्वायर यह हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ठीक है ऐसा हो जाएगा ठीक है तो मैंने यहाँ पर ऐसा मान लो पुट कर दिया क्या पुट कर दिया फोर पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ठीक है इक्वल टू जी बाई एल इक्वल टू क्या मतलब आपको क्या क्या बचा पता है आपको बच रहा है फोर पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर जी बाय एल था ना लेकिन आपको चाहिए क्या आपको चाहिए टी चाहिए टी चाहिए ना तो टी को यहाँ पर ले लो ठीक है तो टी इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा इधर चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा पता है आपका हो जाएगा ये टी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एल अपॉन जी अंडरस्टूड और इन टू फोर पाई स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तुम क्या करेंगे आप अब, अब हम क्या करेंगे जब इसका हो जाएगा टी अगर टी स्क्वायर नीचे मुझे तो टी स्क्वायर जब मुझे नहीं चाहिए तो टेकिंग क्या लूंगा स्क्वायर रूट लूंगा तो जब टेकिंग स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये दस से टी स्क्वायर हट जाएगा और ये सबके सब रूट में आ जाएंगे और ये टू पाई कैसे आया क्योंकि तो ये फोर तो पाई था तो फोर पाई का जो जो उसका रूट होता है टू होता है ठीक है टू आ जाएगा टू पाई आ जाएगा देखो फिर से ध्यान से देखो या फिर से देखो कन्फ्यूज मत होना देखो इसको क्या कर सकता हूँ मैं इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ फोर पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है जी बाय एल ठीक है अब मुझे क्या कहना टी स्क्वायर तो ऐसा हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर ठीक है इन टू एल अपॉन जी हो जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया ऐसा हो गया मैंने रिप्लेस किया इसको इधर इसको इधर कर दिया ऐसा कर दिया अब मुझे टी स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए टी चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर टू लूँगा तो टेकिंग स्क्वायर रूट में फोर पाई क्या हो जाएगा टू पाई बन के बाहर ही रहेगा और जो अंदर रूट और बाकी सब क्या है स्क्वायर तो है नहीं तो बाकी सब एल अपॉन जी अंदर रह जाएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा ठीक है अगर मैं इसका टेकिंग स्क्वायर रूट लूंगा तो क्योंकि हाँ टी स्क्वायर ने जब टी चाहिए ना तो आपका ऐसा इक्वेशन बन जाएगा तो टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी ये आपका इक्वेशन बनेगा और यही इक्वेशन आपका क्या है टाइम पीरियड का इक्वेशन है ठीक है तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया बेटा आपका चैप्टर जो था खत्म हो गया क्या हो गया खत्म हो गया ठीक तो है तो कैसरा चैप्टर मुझे जरूर बताइएगा काफी मेहनत लगाए और काफी मेहनत किया था इसके लिए आई होप कि आपको समझ में आया क्योंकि चैप्टर पूरा डेरिवेशन है यार पूरा डेरिवेशन है ठीक है आई होप कि आपको समझ में आया होगा ठीक है और यहाँ ध्यान देना इसके साथ में बोलूँगा क्या बोलूँगा भाई थैंक यू ठीक है बहुत मेहनत लगा हाँ चलो आई होप अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर जाइएगा लेक्चर के बाद और सपोर्ट करो धन्यवाद अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल के साथ तब तक हंसते रहो मुस्कुराते रहो बाय बाय